हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सीए 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 में फाइनल इंडरटेक्स। सरकार, अगर आपके एग्जाम्स मई 2023 में है या नवंबर 23 में है तो नया बैच आपके लिए आ गया है। सबसे खास बात इस बैच की, बैच शुरू करने से पहले एक बड़ी खास बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बैच के अंदर जो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, ये पूरा फेस टू फेस बैच का ही रिकॉर्डिंग मिलेगा। एंड जो मेरा बैच मई 2022 के अंदर जो मुंबई में हुआ था सरकार, उसी बैच को, फेस टू फेस बैच को ही हम ये एडिट कर रहे हैं। एंड जहां जहां पे भी अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हो गए, उन सब लेक्चर्स में हमने अमेंडमेंट इंसर्ट कर दिए। एंड सर, ये सारे लेक्चर्स में आपको माहौल मिलेगा फेस टू फेस बैच का। सबसे बड़ा फायदा ये है उसके अंदर कि सरकार, एक तो पॉजिटिव वाइब्स, जो फेस टू फेस बैच की पॉजिटिव वाइब्स होती है, माहौल बनता है, वो आपको पूरा मिलने वाला है विद ऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। सेकंड थिंग, फेस टू फेस बेच में जो माहौल बनता है, उसमें जो लाइव यू नो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उसके साथ में जो एग्जाम्पल निकलते हैं, उन लाइव प्रैक्टिकल यू नो डे टू डे लाइफ के साथ जो आपके एग्जाम्पल्स अटैच होते हैं, उनके थ्रू हमने हंसी मजाक के थ्रू ये टॉपिक को समझा डाला है। एंड सर, आपको मजा आने वाला है इन लेक्चर के अंदर। तो सर, कंटिन्यू करें आपके इस माहौल को पढ़ाई के साथ, पर पूरा फोकस आपका पढ़ाई की तरफ रहेगा। आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल फोकस ऑन दी स्टडीज। एंड सर, ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, वो भी कॉन्सेप्चुअली विद ऑल प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल। प्लस एक खास बात और है, जो भी एग्जांपल्स में क्लास में दूंगा, दैट विल हेल्प यू अप। जो भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ते सर, वो उसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। और सर, उन एग्जाम्पल्स की वजह से, उस प्रैक्टिकल क्लैरिटी की वजह से, ये टॉपिक्स जो आप पढ़ेंगे सर, उसको भूल पाना आपके लिए असंभव है। तो सरकार, अच्छे से पढ़ते हैं, माहौल के साथ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लेक्चर को। एंड सर, जो मई एंड अप्रैल एंड मई 2022 में जो फेस टू फेस बैच हुआ था मुंबई में, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है विद कवरिंग ऑल दी अमेंडमेंट्स रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। माहौल के साथ हम शुरू करते हैं। ऑल दी बेस्ट, भारत माता की जय। मिलते हैं कहां मिलते हैं, ओए, कंटिन्यू रहा लेक्चर आपके लिए। माहौल, यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस सर। सरकार, इनडायरेक्ट टैक्स, सीए फाइनल, सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल, सर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान मेरी तरफ देना, ये क्या चल रहा है उसको नहीं करना ध्यान। ओके, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यार। ओके, तो सर तो पॉइंट मेरा आपसे ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फुल कोर्स बैच, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, कोई रिविजन बैच नहीं है, दिस इज अ फुल कोर्स बैच। पर हाँ, आपने सी ए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप आ गए हो, अगर यहाँ पे क्लास में, इट मीन्स आपने आर्टिकलशिप तो करी है। सेकेंड थिंग, आपने इंटरमीडिएट भी पास किया होगा सी ए इंटर, तो वहां भी कुछ ना कुछ तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है यार। तो मैंने प्रेजम्पशन लिया है कि आपको, हाँ, दिल की बात आ गई बार सर सर हमको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। ओके, दिस इज अ फुल कोर्स बैच। सबसे पहली बात, हमको कुछ भी याद नहीं है, और अगर आर्टिकल्स में भी कुछ किया है तो वो किया है, अच्छे से किया है, नो डाउट। पर एज फार एज पढ़ाई इज कंसर्न, हमको सब कुछ पढ़ना है। मैंने प्रिजम्पशन ही लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडायरेक्ट टैक्स का आई भी नहीं आता है। अंदर से इतनी खुशी है सर ओके, चलिए सर, तो राइट फ्रॉम द बेसिक वी हैव टू बिगिन एंड टिल टॉप वी हैव टू रीच, क्लियर। देखो, आप ये ध्यान रखिए कि वी आर नॉट रीडिंग जस्ट टू पास द एग्जाम्स, वी आर रीडिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ CAWM, समझे मेरी बात। आपने अगर ये लेक्चर पढ़ा, इट मींस आपको इनडायरेक्ट टैक्स आना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट। अब एग्जाम कोई भी हो, कभी भी हो, कैसा भी हो, समझे मेरी बात, केवल एग्जाम पास करना इज नॉट अ टारगेट, ओके। हमको इनडायरेक्ट टैक्स आना चाहिए, यहां से क्लास नीचे उतरे, जो हमने क्लास में पढ़ा वो नीचे किसी ने कुछ पूछ लिया, अपने को आना चाहिए, दैट्स इट, क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जीएसटी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, एक ऐसा टैक्स है जो रोज काम आता है, रोज, वो भी डेली बेस पर और हर ट्रांजेक्शन पे। आप अगर नीचे से कुछ परचेज भी कर रहे हो तो भी काम आता है, आप समझे मेरी बात। डे टू डे लाइफ में ये टैक्स इतना काम आता है, इसलिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करें हम, पक्का? ओके, तो सर सबसे पहली बात, अच्छा एक बात और, प्रिजम्पशन लिया है, कुछ भी नहीं आता है, पहली बार हम बात कर रहे हैं, पहली बार हम पढ़ रहे हैं, पर फिर भी अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, इट मींस यू नो द आंसर। मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो आप एक लॉजिक से सोच के देंगे ना, यू कैन गिव द आंसर, ओके। और आपको मेरे से इंटरेक्ट करना है, बात करना है, ओके। एंड सर, जो भी वीडियो क्लास में है उनको भी मेरे से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, और आपको भी आंसर देना है, ऐसा लगना चाहिए कि बस आप और हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो सर, सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
यस सर, व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? बेसिक आंसर चाहिए मेरे को, कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए सर प्लीज। टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ओके। हाउ इट इज पेड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, मतलब कैसा मैकेनिज्म होता है? बर्डन इज ऑन वन पर्सन एंड एक्चुअली पे कोई और कर रहा है, इंसिडेंस पास ऑन हो रहा है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, चलिए व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? यस सर, आंसर देना है तो मैं भी सो जाऊंगा, देखो 7 बजे बहुत टाइम बाद उठाऊं मैं भी। यस सर, डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द सेम पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स, बेस्ट इनकम टैक्स, क्लियर? जो पर्सन पे कर रहा है वही उसका बर्डन बोर्न कर रहा है, वही उसका इंसिडेंस बोर्न कर रहा है, किसी और को पास ऑन नहीं कर रहा, ओके क्लियर, पक्का। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल? जीएसटी सर, आप आए इसलिए सर सर ओके चलिए, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, और भी बात करते हैं मस्त वाली एकदम, ये टैक्सेस क्या होते हैं? ये सरकार, एकदम बेसिक से बात करना है अपने को, एकदम रूट लेवल से, कॉमन सेंस से, लिटरली कर रहा हूं, इन बातों को करते करते हम पूरा जीएसटी कस्टम पढ़ लेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा अपने को, ओके बिल्कुल रूट से सर, कोई टफ नहीं है। ये सर, डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, व्हाट डू मीन बाय टैक्सेस? क्या होता है टैक्स? रेवेन्यू टू दी ओ हो, क्या बात है सर, रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट, ओके व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट? चलिए, ये गवर्नमेंट कौन है, सरकार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भली सेंट्रल हो या स्टेट हो, गवर्नमेंट कौन आखिर? हाँ क्या, कहां से, मतलब हम कैसे? मतलब वी ऑल आर दी गवर्नमेंट, पक्का हम है सरकार, डेमोलिशन देख क्या है कैसे हमें गवर्नमेंट? क्या सर, इलेक्शन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, और जो कैंडिडेट होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट एजुकेटेड होते हैं, समझदार लोग होते हैं, हंसो मत होए सर वेल मैनर्ड लोग होते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, ओके क्यों करते हैं इलेक्ट, क्या है गवर्नमेंट, हम क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं सर? यस सर, हम क्यों है गवर्नमेंट, कैसे हम लोग, क्योंकि इंडिया में क्या है, यस डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं चलता यहां पे कि साहब राजा ने कह दिया बात मानना है दैट्स इट, नहीं ऐसा नहीं, जनता जो कहेगी वो होगा, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, क्लियर, जनता का जनता के लिए एंड जनता के द्वारा, क्लियर, मतलब देश कौन चलाएगा, ऐसे चलाओगे देश कौन चलाएगा, पक्का 100%, ओके। तो सर जो जनता चाहेगी वो होगा, जो हम सब चाहेंगे वो होगा, जो हम सब सोचेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, ओके। तो एक बार वापस है, गवर्नमेंट कौन, न बीजेपी न कांग्रेस न शिवसेना न कोई पार्टी, ये तो क्या है, ये ग्रुप है जिसको हमने इलेक्ट किया है, क्लियर, समझा मेरी बात? तो डेमोक्रेसी मतलब हम लोग, तो सर देश कौन चला रहा है, पक्का? तो सर देश में जितने भी कानून बनते कौन बनाता है, ऑल लॉज आर फ्रेम्ड बाय वी ऑल गाइज, पक्का? तो सर किसी भी लॉ में अगर अमेंडमेंट करना कौन करेगा, मतलब इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया है? ओ सर क्या बात कर रहे हो सर हम ऐसा नहीं कर सकते सर तो पूरा जीएसटी किसने बनाया है, पक्का? सारे लॉज किसने बनाए है, पक्का? आवाज नहीं आ रही, देखो यार सर अब ये यहां तक अच्छा लग रहा था सर, और पता है यही सारे लॉज जो हमने बनाए, एक्चुअली हमने बनाए, हमारे लिए बनाए, उसको हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, बस समझ में नहीं आया, अरे सर आंसर आना चाहिए, बस आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर जब तक आपको बेसिक नहीं पता है तब तक आप यू नो टॉप लेवल तक कैसे पहुंचेंगे यार हम लोग, इसलिए वी हैव टू रीच
टिल टॉप पर कैसे है, हमारा बॉटम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो बेस लाइन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ओके, हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां से हमको शुरुआत करनी है, दैट इज द टारगेट। समझा मेरी बात? इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने पहले कुछ ऑफिस में काम, डेफिनेटली आप सबने काम किया होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है जीएसटी में काम नहीं भी किया होगा, और बहुत सारे सबने इंटरमीडिएट में पढ़ाई होगा सर, इंटर में आपने, पर फिर भी मैं मान के चलता हूं कुछ भी नहीं आता, वी आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको इंडियन टैक्स का आई भी नहीं आता है, क्लियर, आप जस्ट 12th पास आउट हो, इतना, समझे मेरी बात, एवरीथिंग वी हैव टू रीड और बहुत अच्छे से, ओके तो सर शुरू करेंगे हम, पक्का, ओके तो सर अभी अभी हमने कहा गवर्नमेंट कौन, ऐसे ढीले ढीले बात करोगे तो सर नेता लोग खा जाएंगे हम लोग को, गवर्नमेंट कौन, ओके तो सरकार, अभी अभी हमने बात करी जितने भी लॉज होंगे वो कौन फ्रेम करेगा, हम फ्रेम करेंगे, जितना भी देश के अंदर जो भी मैकेनिज्म चलता है वो कौन करेगा, हम लोग चलाएंगे। तो सर गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं, अब सर अगर हम गवर्नमेंट के पावर्स की बात करें तो सर आप देखिएगा, अब यार हमने ये सब बातें कर ली कि गवर्नमेंट कौन, हम, देश कौन चलाएगा, कानून कौन बनाएगा, सारे लॉज कौन फ्रेम करेगा, हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, ये सर कैसे फ्रेम करेंगे, हम लोग बिल पास करेंगे, कहां पास करेंगे, पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट कैसे बनता है सर, व्हाट इज पार्लियामेंट, यस यू आर करेक्ट, जो आप सोच रहे हो सही है, बोलो पर एक्सप्रेस करो। तो सर एक चीज बात कर लेते हैं, हम पूरा देश जो भी चलाएंगे हम चलाएंगे, हम कैसे चलाएंगे सर, सर सारे डिसीजन हम लोग मिलकर लेंगे, अब हम सब लोग देश के लगभग 130 प्लस करोड़ पब्लिक कैसे डिसीजन लेंगे, तो हमने क्या किया, हमारे एरिया के, पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी एरिया है, हर एरिया से हमने क्या किया, कुछ लोगों को जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, अच्छे लोग है, उनको हमने इलेक्ट किया, क्लियर, हमने उनको इलेक्ट किया, एंड दे विल रिप्रेजेंट अस, दे विल रिप्रेजेंट अस, और अल्टीमेटली हमने क्या बनाया सब, पार्लियामेंट, क्लियर, संसद, तो पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर कंट्री, मतलब आज फॉर एग्जाम्पल अंधेरी मुंबई, यहां की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर अंधेरी, क्लियर, उन्होंने कुछ बात कही मतलब पूरा अंधेरी वाले लोग ये कह रहे हैं बात, अरे यस या नो, समझा मेरी बात, ऐसे ही पूरे देश के हर एरिया के सर लोगों को हमने क्या किया, इलेक्ट किया, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, तो सर हम कौन, मैं कनेक्ट कर रहा हूं सर बातों को, इसलिए जल्दी बोलो, हम कौन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन, चलो गवर्नमेंट कौन, हम थ्रू पार्लियामेंट, वी आर थ्रू पार्लियामेंट, अच्छा मतलब पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, मतलब किसने लिया है, हमने लिया है, इसलिए आपने देखा होगा कोई भी बिल अगर प्रेजेंट होता है तो कहां होता है, पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में वो जब पास होता है तब जाके वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं सर, उसके बाद वो एक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल आता है हर साल आता है सर, कोई डाउट, फाइनेंस बिल आता है, क्लियर, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, क्लियर, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ एक्ट, तब तक वो एक्ट नहीं होता है, वो बिल होता है, प्रपोज किया होता है कि वी वॉन्ट दीज चेंजेस, क्लियर, समझे मेरी बात, इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स, मतलब अगर आज मोदी जी चाहे या कोई भी सरकार चाहे कि ये चेंज कराए, नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाए, क्लियर, कोई डाउट इसमें, पक्का, तो सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है वो सारे पावर्स आर, ऑल द पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स, क्लियर, ये क्लियर आपको सर 100%। आज मान लो अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चाहे कि ये पास कर दो तो सर डायरेक्टली क्या वो एक्ट बना सकते हैं क्या, आवाज नहीं आ रही हुई, सर ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स, पार्लियामेंट बोलेगी तो काम होगा, पार्लियामेंट बोलेगी तो काम नहीं होगा 100%। चलिए तो आप मुझे बताओ क्या पार्लियामेंट ऑल 365 डेज इन अ ईयर क्या पार्लियामेंट का सेशन चलता है, नहीं चलता है, कितनी बार चलता है,
ओके सर, अब आपको पता है पीरियोडिकली पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। अरे क्लियर, अब पार्लियामेंट के सेशन होंगे ऑन एन एवरेज दो पार्लियामेंट्री सेशन में लगभग 2 to 3 months का गैप होता है साहब एवरेज। अरे यस एंड नो। अब सर आप मुझे बताओ, सोच बताना सर, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी। ओके आप ये सोचो कि आप और मैं दो ही जने बैठे और बात कर रहे हैं एक दूसरे से, दैट्स इट। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि पार्लियामेंट के सेशन मान लो 2 दिन पहले खत्म हुआ है सर, पार्लियामेंट का सेशन अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है एंड नेक्स्ट सेशन विल कम ऑन अराउंड 2 to 3 months जो भी शेड्यूल बनेगा उस अकॉर्डिंग। अरे यस एंड नो। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, मान लो मुंबई में आज इतनी बारिश आई सर, हर तरफ पानी ही पानी, वो गाना है ना ब्लू है पानी पानी, यहां ब्लैक है पानी पानी, सर सब तरफ पानी पानी, इतना पानी कि सर पैर रखने की जगह नहीं है और फ्लड जैसा माहौल है। और पता है आपको इंडिया में देश का लगभग 90% से ज्यादा शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको? पता है नहीं तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टेल यू। सर जब आपको पता होता ना तो टेंशन है, नहीं पता आपको टेंशन नहीं है सर। देश का मोर देन 90% शुगर मुंबई में स्टोर होता है, मोर देन 90% शुगर मुंबई में स्टोर होता है। अब सर हर तरफ पानी और सर उस फ्लड में शक्कर सारी गुल गई सर, पानी मीठा हो गया। समंदर का पानी मीठा हो गया सर। मेरा पॉइंट अब आपसे ये है कि सर मुंबई की लगभग लगभग सारी शक्कर खराब, मोर देन 90% शुगर ऑफ द एंटायर इंडिया इज स्टोर्ड इन मुंबई, मान लो खराब हो गया अब क्या करेंगे कल से? शुगर फ्री? सोचो आप, शुगर एक ऐसी चीज है जो रोज रिक्वायर्ड है, इट्स अ गुड्स ऑफ डेली नेसेसिटी। अब मेरा पॉइंट आपसे यह है, अगर डेली बेस पर शुगर रिक्वायर्ड है, सप्लाई बिल्कुल खत्म, हूं तो करो कम से कम, हां बोलने में जोर आता हूं तो कर दो। सर पॉइंट मेरा आपसे ये, देश का मोर देन 90% शक्कर खराब हो गया, डिमांड उतना का उतना, सप्लाई एकदम कम हो गया, क्या होगा मुझे बताओ आप? प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाएगी सर, यस या नो? अब अगर शुगर जैसी गुड्स की प्राइसेस इतनी हाइक हो जाए तो सर कांग्रेस वाले तो कह देंगे सर मोदी जी ने शक्कर बढ़ाई है प्राइस। अरे यस या नो, समझे आप मेरी बात? तो सर ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा सर, इन्फ्लेशन रेट का सोचो क्या होगा सर। अरे यस या नो? अब सर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सोच के देखो आप। देश का लगभग सारा शक्कर खराब हो गया पर कंजम्पशन के लिए डेली रिक्वायर्ड है, अब सर ऐसा तो नहीं मोदी जी एकदम जोश भरा भाषण देंगे कि मेरे प्यारे किसान भाइयों हमें देश में शक्कर चाहिए, आप जाइए अपने फार्म पे शुगर केन प्रोड्यूस करिए और कल मेरे को देश के अंदर शक्कर चाहिए, मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है सर। शुगर केन प्रोड्यूस होगा, सीजनल है ये, प्रोड्यूस होगा देन फैक्ट्रीज में जाएगा, कट होगा, शुगर केन जूस बनेगा, उसको सुखा के फिर शक्कर बनाएंगे, प्रोसेस है सर, टाइम लगेगा इसमें, तो तब तक क्या? अब आप सोचिए, देश का लगभग लोग सारा शक्कर खराब खत्म हो गया, नया प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा, तब तक लिए क्या करें आप सोच के देखिए। यस, क्या करेंगे सर? इंपोर्ट करेंगे। तो सर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गवर्नमेंट शुड प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ शुगर। अब इंपोर्ट ऑफ शुगर को अगर प्रमोट करना है तो क्या करे, उस पर हैवी कस्टम्स लगा दे या कस्टम्स एग्जम कर दे, कम कर दे, एग्जम कर दे? अरे यस या नो? अच्छा, कस्टम्स पर अगर रेट ऑफ कस्टम्स कम करना है या उसको एग्जम करना है, मतलब लॉ के अंदर क्या करना है, चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है सर? अरे यस या नो? और लॉ के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है सर? पार्लियामेंट का सेशन कब खत्म हुआ है? तो अब क्या करेंगे? इमरजेंसी बुलाएंगे, नायक मूवी सबने देख रही सर, मेरे को कल हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां चाहिए दिन में 2 बजे, भले उड़ के आया, तैर के आया, चढ़ के आया, ऐसा
सर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या फ्री है क्या? केवल 5 साल मिले उनको करप्शन काम करने के लिए? सॉरी सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है 2 दिन पहले, अब लॉ में चेंज करना भी बहुत इमरजेंसी है सर, अगर 2-3 महीने वेट कर लिया खत्म, चाय में नमक डाल के पीना पड़ेगा सर। अरे हाँ है ना, इसलिए ऐसी सिचुएशंस को टेकअप करने के लिए हमने जब लॉ बनाया, सारे कानून हमने बनाया सर, तो हमने क्या किया, कुछ पावर्स गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिए, उनको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। हमने सेक्शन नंबर 11 बना दिया जीएसटी के अंदर कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। हमने सेक्शन नंबर 25 बनाया कस्टम्स एक्ट में कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। हमने सर सेक्शन नंबर 5A बनाया था एक्साइज के अंदर। सर हमने हर एक्ट के अंदर कई सारे इस तरह के सेक्शन बनाए, आपने भी अब तक कई सारे सेक्शन पढ़े होंगे। आपने सर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट हैज द पावर। आपने कई सारे सेक्शन पढ़े होंगे, सीबीडीटी हैज द पावर। आपने कई सारे कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, बोर्ड हैज द पावर। अरे यस या नो? वो पावर हमने दी है, हर सेक्शन में नहीं होगा सर, एवरी सेक्शन डज नॉट हैव दिस पावर। अरे आप एग्री कर रहे हो कि नहीं? पक्का 100% यस। तो सर इस तरह के कुछ सेक्शन हमने हर एक्ट में बनाए, और हमने कुछ पावर्स जहां हमको लगता था कि नहीं यार पार्लियामेंट अगर नहीं भी है तो भी ये अमेंडमेंट हो जाए, ये चेंज हो जाए, सो दैट देश के अंदर काम नहीं रुके, हमने कुछ पावर क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया मालिक, डेलीगेट कर दिए। क्लियर? इसलिए आपने देखा होगा कि सर साल में बजट तो एक बार ही आता है, फाइनेंस बिल तो एक बार ही पास होता है, पर फिर भी साल भर अमेंडमेंट होते रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे होते हैं? डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं वो। आप समझ में आ रही बात मेरी? पक्का बच्चों? क्लियर? अब सर ये डेलीगेटेड पावर का सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस किया, क्लियर? और सर इसकी वजह से लो आपने देखा होगा सर फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। आपने जीएसटी जब से आया है तब से आपने देखा होगा कई सारे अमेंडमेंट हो जा रहे हैं सर, वो कहां से होते सर? डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू तो होते ही होते हैं सर, पर डेलीगेटेड पावर के थ्रू नोटिफिकेशन। अरे हाँ ना, आपने देखे होंगे कई सारे नोटिफिकेशन आते, कहां से आते? वो यहां से आते। क्लियर? यहां तक सिस्टम क्लियर है क्या भाई? पक्का? ओके। अब सर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये सब बातें आप क्यों कर रहे हो, हमको तो सर जीएसटी पढ़ा हो, बात खत्म। सर ये बातें करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। आइए, हमको पढ़ना क्या है, कहां तक पढ़ना है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। अब एज फार एज एग्जामिनेशन आर कंसर्न्ड, आईसीएआई की पॉलिसी है, आईसीएसआई हो या सीएमए हो, इन सब का पॉलिसी है कि मंथ ऑफ द एग्जाम से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट होते हैं जो एप्लीकेबल हो गए, प्रपोज नहीं भाई, एप्लीकेबल, जो पास हो गए, क्लियर, वो हमारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होते हैं। सो इफ यू आर हैविंग योर एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ मे 2023, then all amendments which are made effective till 31st of October 2022 are relevant for your exams. And if you are having your exams in the month of November 23, then amendments made effective till 30th April 2023 will be relevant for your exams. So, sir, currently ये जो batch हम पढ़ रहे हैं, obviously ये month of October November चल रहा है sir, इसलिए sir all amendments which will be made effective till 31st October 22 will be covered in this lecture. जो भी बुक आपको मिलने वाली है, जो भी बुक आपको मिल रही है, वो 31st October 2022 तक amended है। सारे provisions जिसमें भी amendment आया, circular issue है, वो सब हम cover करने वाले हैं till 31st October 2022. इसलिए जिनके भी exams May 23 है, उनको अलग से कोई amendment देखने की जरूरत नहीं रहेगी, पर जिनकी भी एग्जाम्स नवंबर 23 है वो भी इस लेक्चर को आराम से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सर इन 6 मंथ में जो अमेंडमेंट्स आएंगे, वैसे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे ऑल अमेंडमेंट्स विल बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब अलोंग विद द अमेंडमेंट नोट्स। तो सर इन 6 मंथ में, मतलब 1st November 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, इसका सेपरेट रिकॉर्डिंग में करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा अलोंग विद द अमेंडमेंट नोट्स। पर हां,
सर आपको जैसा पता है हर बार अमेंडमेंट लेक्चर जो मैं अपलोड करता हूं ऑन एन एवरेज 4 आवर्स के लेक्चर, 4 घंटे के लेक्चर होते हैं सर सारे मिला के, क्लियर। इसलिए बहुत टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर आपके एग्जाम्स मई 23 हो या नवंबर 23 हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन लेक्चर को ले सकते हो, माहौल के साथ पढ़ाई कर सकते हो, बस ऑलवेज मेंटेन द कॉन्फिडेंस। ओके तो सर आपको समझ में आ गया शायद कि सर ये मैंने ऊपर जो कहानी पूरी पढ़ाई थी वो क्यों पढ़ाई, कि सर किस तरह से अमेंडमेंट होते हैं, किस तरह से सर केवल फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही अमेंडमेंट नहीं होते हैं, डेलीगेटेड पावर के थ्रू भी अमेंडमेंट होते हैं, एंड सर क्या अमेंडमेंट्स सर आपके लिए रेलेवेंट है, कब तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रेलेवेंट है। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, क्लियर डन। तो सर कंटिन्यू रहा वापस से, हु इज द गवर्नमेंट से माहौल, आप मुझे बताए गवर्नमेंट कौन? पक्का जितने भी लोग बनाएंगे कौन बनाएंगे? आवाज नहीं आ रही, ओए पक्का 100%? चलो तो एक बार, बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट चोर बोलते हैं ना सर, तो एक बार बोलना गवर्नमेंट कौन? हम, और हम ओके तो सर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट चोर नहीं है। हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो काम अच्छे से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे, वो हो सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट कौन? चलो एक एग्जांपल दूं क्या यार, इस पर ट्रस्ट हो जाएगा आपको कि हाँ सर सही में गवर्नमेंट अच्छी है। सर अभी तक तो सर आपने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, सर कैसे अच्छी है? सर देखते हैं, लॉज सारे हमने बनाए, क्लियर, कैसे देखते हैं? देखते सर, सरकार पता है आपको, अगर एसएससी मैं एक ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, अभी मैंने जीएसटी शुरू नहीं किया मालिक, ऑन एन एवरेज अगर कोई एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो जाता है, इफ ही डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, तो क्या करेंगे? गोली थोड़ा दो ऐसा फांसी। तो देखो पेनल्टी लगता है कोई ऑफेंस किया तो, लेट करने में क्या लगेगा? इंटरेस्ट। पता है आपको अगर कोई एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो रहा है, भले वो जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, तो सर ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। और मैं जीएसटी की बात करता हूं, से अगर एसएससी लेट करता है, एक दिन भी उसने लेट किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, जनरली बता रहा हूं मैं आप, ओवरऑल मोटा मोटी कितना मालिक? 18% पर एनम। अरे क्लियर, ओके। और पता है अगर कभी मान लो हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, या किसी वजह से हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, क्या रहा मालिक? तो रिफंड कौन देगा मालिक? और गवर्नमेंट रिफंड देने में अगर, पता है इफ गवर्नमेंट डिलेज द रिफंड, पहली बात तो गवर्नमेंट को टाइम दिया है 60 डेज का, जीएसटी की बात कर रहा हूं आपसे, 60 डेज में जिसने रिफंड अप्लाई किया है, इफ ही इज एलिजिबल, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए साहब। और अगर बियॉन्ड 60 डेज गवर्नमेंट ने अगर पेमेंट नहीं किया, तो दे आर लायबल टू पे द, एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पर एनम, हमारे लिए 18, और वो भी वेरी नेक्स्ट डे से, जैसे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, तो 21st से क्या लगेगा? और खुद के लिए 6%, वो भी 60 डेज के बाद, है कि नहीं चोर? आप मुझे बताओ, ना इंसाफी है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही, देखो यार पक्का, ओके चलिए, तो क्या करना चाहिए आप बताओ, सॉल्यूशन बताओ, चलो या भी बैठा कर दे सर, सॉल्यूशन ये है, या तो इनकी भी 18 कर दो या हमारे भी। यार मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो सोच के मत बैठो यार, मस्त अपन बात कर रहे, दैट्स इट, लिटरली कह रहा हूं मैं, ऐसे ही पढ़ाई होगी, मस्त होगी, बात करो आप मेरे से, क्लियर, समझो मेरी बात। वीडियो क्लास वाले सोच रहे सर हम किससे बात कर रहे हैं, अरे भाई बात कर, सुन रहा हूं तुमको भी, देख रहा हूं सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि यू टेल मी सॉल्यूशन क्या है इसका, या तो गवर्नमेंट के लिए कितना कर दो 18, या हमारे लिए भी कितना कर दो। चलिए
अगर हमारे लिए 6% पर एनम कर दिया तो सोचते क्या होगा, अब थोड़ा सोचते आगे, अगर हमारे लिए 6% पर एनम कर दिया तो असेसी को अगर टैक्स पे करने पर, टैक्स लेट पे करने पर 6% पर एनम ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अगर, तो वो क्या करेगा, लेट ही पे करेगा ना सर। अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो 15%, बिजनेस लोन की बात करें हम 12%, 13%, 15%, और वो भी क्यूमुलेटिव लीव फ्री, प्रोसेसिंग चार्ज अलग, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज अलग, फिर उसको सर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी देनी है, सब काम करना पड़ेगा सर। इधर तो अनसिक्योर्ड लोन, कोई लोन कोई टेंशन नहीं है सर। अरे हाँ है ना, आप समझे मेरी बात। मान लो कोई एसएससी है जिसको मंथली 20 लाख रुपए टैक्स पे करना होता है, वो 2 महीने टैक्स पे नहीं करे, 40 लाख का उसको लोन मिल गया सर, वर्किंग कैपिटल लोन, वो भी विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, किसी को अप्लाई नहीं करना है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनवानी सर, किसी को फीस नहीं देनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो सर 6% उधर देगा गवर्नमेंट को, इधर 8% किसी और को दे देगा सर, कि तू ले ले पैसे कोई बात नहीं। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। आप मुझे बताओ अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन पर 12%, 18%, 15% चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को हमारे लिए 6% करना चाहिए? आवाज न्यारी देखो यार, तो बताओ 18% सही है कि नहीं है? आवाज न्यारी ओए, मतलब सर 18% बिल्कुल सही है, ठीक है सर। तो हमारे लिए 18 रखो, पर इनके लिए भी, आवाज न्यारी देखो यार, 18 कर दे इनके लिए भी। सोचो अगर गवर्नमेंट का रिफंड देने में अगर गवर्नमेंट लेट होती है और उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे, तो हर एसएससी क्या करेगा, एक्स्ट्रा पे करेगा सर इधर वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करेगा, या अप्लाई करेगा तो भी ऑफिसर बोलेगा रिफंड आपका आ गया, नहीं अभी नहीं चाहिए, थोड़े दिन रखो आप अपने यू टेल मी 18% भाई, सोर्स ऑफ इनकम होगी उनके तो, आज एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% भी नहीं है। अरे हाँ है ना, यू टेल मी, क्या 18 होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही भाई, कितना होना चाहिए? सही है, सही है, पक्का? हमारे लिए, उनके लिए सही है ही गलत है? 5 मिनट पहले आप कह रहे थे गवर्नमेंट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? अगर ये बात मैंने आपको नहीं शेयर करी होती, ये 5 मिनट जो डिस्कशन मैंने किया आपसे, हम सबने मिलकर अगर ये सोचा नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों, तो जिंदगी भर गवर्नमेंट को गाली देके ये सेक्शन याद करते हैं जो हो रहा है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर आपसे। हम जिंदगी भर क्या करते सर, सॉरी गवर्नमेंट चोर, गवर्नमेंट चोर, 2-3 लोग तो पता नहीं क्या है और बोल देते हैं सर यू टेल मी सही है कि नहीं है, बताओ मुझे आप। बस तो वो हमको समझना है सर। सर क्या है सबको पता, क्यों है ये अगर समझ में आ गया ना सर, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ रहे मेरी बात आप? दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, और मैं कोशिश करूंगा वहां तक हम पहुंच जाए, हर सेक्शन को लेके, हर बात को लेके। वो अगर आप पहुंच गए ना सर, फिर आप देखो अमेंडमेंट भी होता ना अगर, तो आपको समझ में आएगा आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या थी। आप समझ रहे हो मेरी बात सर? अगर कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से मान लो सर 15 हो गई या 20 हो गई, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यार 20 या 18 क्यों हुआ या 15 क्यों हुआ है। यहां अगर 6% है और 6 से अगर 5 हो गया, तो आपको लगेगा नहीं यार एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया 80 तारीख में, तो यहां 6 तो गलत था सर। अरे हाँ है ना मेरी बात, समझ रहे हो आप? क्योंकि गवर्नमेंट कौन है, आवाज नहीं आ रही, गवर्नमेंट के प्रोविजंस गलत नहीं है सर। हाँ कुछ ऑफिसर्स होंगे जो गलत होंगे सर, गवर्नमेंट चोर नहीं है। समझा मेरी बात? दैट्स द स्पिरिट जिससे हमको पढ़ना है, क्लियर। तो शुरू करेंगे अंडर टैक्स, पक्का 100%। तो गवर्नमेंट कौन, आवाज नहीं आ रही, गवर्नमेंट कौन? ओके, टैक्सेस आर दी, टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी, टैक्स पे कौन करता है सर, भले डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, पे कौन करता है? हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं, पूरे देश के लोग मिलकर पे कर रहे हैं सर। किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट। कौन कौन पे कर रहा, कौन पे कर रहा, किसको पे कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है सर? टैक्सेस आर अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं,
इकट्ठा कर रहे हैं. क्लियर? एंड वी ऑल विल यूज दिस फंड टू रन द कंट्री. अभी हमने बोला ना, देश कौन चलाएगा सर? कैसे चलाएंगे सर? अगर मान लो यस फंड चाहिए, फंड कहां से आएगा? आज रोड बनानी है, अगर रोड कहां से बनेगी सर? यस. सिक्योरिटी के लिए पुलिस चाहिए, आर्मी चाहिए, कहां से आएगा? यस सर, दैट्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक्सेस. समझे मेरी बात? पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को रन करने के लिए वी नीड द रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहां से आएगा सर? हम लोग ही कलेक्ट करेंगे. समझे आप मेरी बात? क्लियर? अब वो फंड को कलेक्ट करने के लिए दो मैकेनिज्म है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स. अब सर डायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि जो पर्सन पे कर रहा है वही बोन कर रहा है. इनकम टैक्स फॉर एग्जाम्पल सर, जो ज्यादा अमीर होगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो गरीब होगा वो कम टैक्स पे करेगा. क्लियर? समझा? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है सर जो हर गुड्स पे लगाया गया है, हर सर्विस पे लगाया गया. अब सर अमीर होगा तो सर भारी चीजें खरीदेगा, परचेज करेगा, तो उसको टैक्स लगाना पड़ेगा सर. अगर सर गरीब आदमी होगा, कम प्राइस की गुड्स खरीदेगा, उसको कम टैक्स पे करना होगा सर. हाँ, है ना? तो दिस इज डायरेक्टली ऑन द गुड्स और सर्विसेज. जो भी आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, परचेज करेंगे, उस पर आपको टैक्स पे करना है, और अल्टीमेटली इट विल गो टू दी गवर्नमेंट. हाँ, है ना? अब आप मुझे बताओ सर, एंड कंज्यूमर जो गुड्स खरीद रहा है और अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, वो टैक्स पे करेगा? इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू गो टू ईच एंड एवरी हाउस एंड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी कंज्यूमर? आवाज नहीं आ रही? नहीं. तो उन्होंने क्या किया? मैकेनिज्म बनाया. एक काम करो सर, जो सप्लायर है, जो गुड्स या सर्विसेज को बेच रहा है, उसको बोल दो कि भाई हम टैक्स तुमसे लेंगे, तुम अपने कस्टमर से ले लेना सर. हाँ, है ना? दैट विल बी इजियर ना. आज जैसे हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो वी विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम यू एंड वी विल पे टू दी गवर्नमेंट. दैट इज मोर इजियर देन टू कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम यूर गाइज. यस और नो? समझे मेरी बात? दैट्स व्हाई मैकेनिज्म टू चार्ज द गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें पे कोई और कर रहा है और अल्टीमेटली बोन कोई और कर रहा है. समझे मेरी बात? इनकम टैक्स में अमाउंट सब्सटेंशियल होता है, 2.5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, उससे ऊपर ही टैक्स लगता है सर. और यस एंड नो? और जिसका इनकम 5 लाख तक है उस पर तो टैक्स है भी नहीं वैसे भी. क्लियर? बस इतना ही आता मेरे को इनकम टैक्स में. क्लियर? ओके. तो सर ये बातें क्लियर है आपको सर? आवाज आ रही? ओए पक्का पक्का. टैक्सेस कौन पे कर रहा है? हम. किसको? तो सर हम. क्या हम कानून गलत बनाएंगे, लोग गलत बनाएंगे? लोग किसने बनाए, किसके लिए बनाए? यस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट द स्पिरिट शुड बी जब हम पढ़ाई कर रहे थे. ओके. और पढ़ाई को बढ़ने के नहीं पढ़ना आपने को, आराम से मस्त होकर हले हले पढ़ेंगे. ओके सर, चलिए सर शुरू करते हैं हम बात इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर. सर इनडायरेक्ट टैक्स एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो पोर्शन है साहब, जीएसटी एंड कस्टम्स प्लस एफटीपी. राइटिंग समझ मारी आपको मेरी? थोड़ा और बिगड़ेगा आगे जाके सर. ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है, जीएसटी की अगर हम बात करें, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स पेपर, 100 मार्क्स का सब, इसमें 75 मार्क्स का पोर्शन होता है जीएसटी का, 25 मार्क्स का पोर्शन होता है कस्टम्स प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सर, एफटीपी. ओके तो सर शुरुआत किससे करें ये बताओ आप, तो शुरुआत किससे करें, क्या पढ़े, जीएसटी या कस्टम्स? देश में सर सबसे डिमांडिंग पोजीशन जो आज की तारीख में है, कोई टैक्स की है तो वो क्या है? तो सर शुरू करें क्या जीएसटी? ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो मैं भी धीरे धीरे शुरू करूंगा. अरे शुरू करें क्या जीएसटी? पक्का? ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके एक और चीज जो भी मैं यहां लिखूंगा ना सर, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू टाइम टू हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड. उससे क्या होगा कि यहां लिखने का टाइम आपको खराब नहीं होगा, एंड जो आपने क्लिक किया उसको घर जाके जब भी आप रिवीजन करोगे तो उसमें नोट कर लेना आप, तो अपना टाइम बचेगा, इफेक्टिवली पढ़ाई अच्छी होगी यहाँ पे. ओके सर, ठीक है मालिक. ओके तो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1st of July 2017 से, 1st of July 2017 जीएसटी आया. पहले क्या था सर? सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, सेल्स टैक्स. अरे हाँ, है ना? ऐसा क्या हो गया जो ये टैक्स की रिक्वायरमेंट आई जीएसटी? मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई है तो वो है जीएसटी. व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? ऐसा क्या हो गया जो जीएसटी लाना पड़ गया?
व्हाट वाज द हर्डल्स, तकलीफ क्या थी साहब, परेशानी क्या थी? कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा था, कैस्केड इफेक्ट था, मल्टीपल टैक्सेशन था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो ये सब क्या हमने सुना हुआ है, बातें करी हुई। अब देख लेते हैं होता क्या है। नहीं नहीं एक्चुअली देख लेते हैं, क्लियर सर। तो सबसे पहले बिफोर बिगनिंग द जीएसटी हम वो बात करेंगे आखिर जीएसटी क्यों आया और जीएसटी कैसे आया। तो अगला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं आपको सर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझना कि एक्साइज पढ़ा रहा है मंगल, तो दैट इज वेरी रिलेवेंट और वहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा जीएसटी, क्योंकि आपको बिल्कुल रूट अगर पता पड़ेगा ना सर, माहौल बनने वाला है। ओके तो सर बात शुरू करते हैं हम कि आखिर जब जीएसटी नहीं था, जब जीएसटी नहीं था तब क्या था, क्लियर। चलिए सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन, क्लियर। चलिए मार्कर है इधर, हाँ है। ओके आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर, पूरी लेक्चर इस मार्कर पे खत्म हो जाएगा सर अपना। ओके आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर, ब्रांड नेम मंगल। ओके सर अब ये मार्कर अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, अब मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो यार ओके सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर, मैंने इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया होगा सर, कई सारे रॉ मटेरियल, इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स परचेज किए होंगे सर मैंने। मान लो मैंने इनपुट्स वगैरह परचेज किए कितने में, 100 में। मैंने क्या कहा, जब हाँ बोलने की चाहिए तो हूं कर दिया करो, इतना वही चलेगा, पर कुछ तो आना चाहिए सर ओके मैंने इनपुट परचेज किया कितने में, 100 में। अच्छा एक्साइज था, अभी बात चल रही किसकी, एक्साइज, एंड एक्साइज वॉज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। मैंने इनपुट परचेज किया कहां से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सर। ओके उन्होंने इस बिल पे क्या चार्ज किया, एक्साइज ड्यूटी, सपोज रेट ऑफ टैक्स वॉज 10%, टोटल 110, क्लियर। ओके सर ये मेरा परचेज इनवॉइस है सर, जब मैंने ये इनपुट परचेज किया होगा इससे मैं मैन्युफैक्चर करूंगा क्या, मेरा आउटपुट गुड्स विच इज मार्कर, मार्कर बना रहा हूं मैं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। अगेन जब इसको सेल करूंगा, मैन्युफैक्चर किया है सिंस मैंने, इसलिए इस पे क्या लगने वाला है, एक्साइज। परचेज पे ऑलरेडी क्या पे किया मैंने, एक्साइज। सेल पे वापस क्या लग रहा है सर, एक्साइज। तो जो परचेज पे टैक्स पे किया है वो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है सर, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो अल्टीमेटली इसकी सेल प्राइस में वो इंक्लूड होगा, और इसकी सेल प्राइस में वापस से टैक्स लगने वाला है सर। तो सर जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट। तो पहले बोलते थे इसको सैंडवेट क्रेडिट, तो मैंने सैंडवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, कितने का मालिक, 10 का। आउट ऑफ 110 मैंने 10 का क्रेडिट ले लिया, अवेल क्या मतलब लिया, अभी मैंने अवेल किया है, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर मी, क्लियर। ओके आउट ऑफ 110 अगर 10 का मेरे को क्रेडिट मिल गया तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी मालिक, 100, क्लियर। अब मैंने अपने एक्सपेंसेस किए होंगे, अपना मार्जिन ऐड किया होगा, अपने सर फैक्ट्री चलाई तो बहुत सारे ओवरहेड्स वगैरह हुए होंगे, वो सब मैंने ऐड किया, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मान लो वो था रुपीज 40, इसमें मेरा मार्जिन भी आ गया, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ आ गया सर, क्लियर। ओके मेरा सेल प्राइस कितना होगा मालिक, 140 सर, क्लियर। अब 140 में बन गया क्या, आउटपुट गुड्स, क्लियर। अब 140 में जब आउटपुट गुड्स मैं बेचूंगा, अगेन क्या लगने वाला है इस पे, सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 10%, अगेन कितना हुआ सर, टोटल 154। ओके इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर को ये बिल बनाया 154 का, उनसे मैंने 154 ले लिया, इसमें से 14 क्या है, एक्साइज। किसका रेवेन्यू है, क्या मेरा रेवेन्यू है, किसको पे करना है मेरे को, गवर्नमेंट को, मैंने आपसे कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे करूंगा। कैसे पे करूंगा सर, जब 14 पे करने जाऊंगा तब मैंने 10 रुपए तो ऑलरेडी पे किया हुआ है, जिसका मैंने क्या लिया था सर, सैनवर्ड क्रेडिट, वो क्रेडिट को मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, दैट वॉज अवेलेबल फॉर मी ना, तो मैंने 10 का क्रेडिट यूज कर लिया, सैनवर्ड क्रेडिट यूज। सर बैलेंस कितना बचा मालिक, 4, ये 4 में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा, क्लियर। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर, आवाज नहीं आ रही हो पक्का, क्लियर। कस्टमर से कितना गया है, कस्टमर की पॉकेट से कितना टैक्स गया है, गवर्नमेंट को कितना गया है, क्लियर पक्का। दिस इज हाउ एक्साइज वाज रनिंग। ओके सर पक्का। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लो
अगर मान लो ये क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता, ये तो 10 का क्रेडिट मिला ना सर, ये अगर नहीं होता तो क्या होता, देख लेते वो भी। अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं होता तो क्या होता सरकार? मैंने इनपुट परचेस किया 100 में, एक्साइज ड्यूटी पे किया कितने में? 10, टोटल 110, ये मेरा परचेस इनवॉइस सर। क्रेडिट डब्बा जीरो, कुछ भी नहीं है सर। कॉस्ट वैल्यू एडिशन 40, टोटल 150 सर, ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया। इस पे क्या लगेगा सरकार? एक्साइज अगेन 10%, कितना होता सर? 15, टोटल ये मेरा सेल इनवॉइस बन गया। 15 रुपी क्या है इसमें? 15 रुपी क्या है? एक्साइज आपसे लिया, किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को पे करूंगा। कैसे पे करूंगा? क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं, पूरा पूरा 15 क्या करूंगा? गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताओ, ये 165 जो कंज्यूमर को, जो मेरे कस्टमर थे उनसे मैंने 165 लिया, इसमें से टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना गया? टोटल एक्साइज कितना लग गया सर? अल्टीमेटली गुड्स की कॉस्ट विदाउट एनी टैक्स कितना था सर? गुड्स कौन सी थी? मार्कर, क्लियर। मार्कर पर रेट ऑफ टैक्स कितना था सर? मार्कर की वैल्यू कितनी है विदाउट टैक्स? 140 का 10% कितना हुआ सर? जबकि गवर्नमेंट को जा कितना रहा है सर? आवाज नहीं आ रही हुई, क्लियर पक्का? क्या सही हो रहा है? क्या सही हो रहा है? इसलिए सेनवेट क्रेडिट का सिस्टम आया। क्यों आया सर? अब ध्यान सुनना। देखो 10 का क्रेडिट क्यों मिला, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है सर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपने पूरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट कोई होगा तो यही है कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता सर? सर देखिए आप ध्यान से, ये 100 रुपी जो है इस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके। मैंने क्या कहा? हूं कर लिया करो कम से कम। ये जो 100 रुपी है इस पे हमने ऑलरेडी टैक्स पे, ये जो 150 है इसमें 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और वापस से पूरे 150 पे टैक्स लग रहा है। इट मींस 100 पे और वापस से टैक्स लग रहा है सर। अच्छा ये तो मैंने दो स्टेप बताई है। मान लो इस रॉ मटेरियल का, इस इनपुट का एक इनपुट और होता तो क्या होता सर? 3 बार टैक्स। एक और होता तो, इसलिए दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या कहते हैं सर इसको हम? डबल टैक्सेशन कहना इज अ स्मॉल वर्ड, मल्टीपल टैक्सेशन इंक्लूड्स मल्टीपल टैक्सेस। समझा मेरी बात? मेरी क्लियर सर? अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता सर? मल्टीपल टैक्सेशन होता। क्या होता सर? वो 100 जिसपे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, सिंस वो 140 में इंक्लूडेड है, ये सेल प्राइस में इंक्लूडेड है, क्लियर, मल्टीपल टैक्स हो जाता, क्लियर, इसलिए 10 का क्रेडिट मिला। सेकंड बात एक और, ये 150 जो था, इस 150 में ध्यान से देखो, ये 10 रुपी भी है सर। 10 रुपी क्या था सर? 10 रुपी क्या था सर? टैक्स एक्साइज। अब इस 150 में ये 10 रुपी भी है, और इस पूरे 150 में वापस से 10% एक्साइज लग रहा है। इट मींस वो जो 10 रुपी टैक्स था उस पर भी एक्साइज लग गया सर। यस या नो? मतलब एक्साइज पे एक्साइज। अरे भाई तुमको टैक्स किस पे लेना है यार? वैल्यू ऑफ गुड्स पे लेना है कि टैक्स पे टैक्स लेना है? वैल्यू ऑफ गुड्स पे लेना सर। इसलिए ये टैक्स पे जो टैक्स लग रहा था, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, समझे आप मेरी बात? इस 100 पे जो बार बार टैक्स लग रहा था, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। और जो 10 रुपी एक्साइज था, एक्साइज पे एक्साइज लग रहा था, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड 10 का क्रेडिट मिला। मेरी बात समझ में आपको? अब मैं पूरी लैंग्वेज को बोलता हूं अच्छे से। अगर आपसे जिंदगी में कोई पूछ ले अगर कि आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, तो एक ही आंसर आना चाहिए, क्या? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। कितने में लग रहा है सर? विच इंक्लूड 100।
विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. यस या नो? अच्छा, इस बात को और सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में. अरे कोई जल्दी तो नहीं आपको? पक्का? मेरे को भी नहीं है सर, आराम से पढ़ने का, पर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक. हर एक चीज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसका लॉजिक कोई पूछ लेना सर तो अपन उसको पूरा खोल के रख दे. समझा मेरी बात? जैसे अभी आपने पढ़ा या आपने सुना सर मल्टीपल टैक्स हटाने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए, ये सब केवल बातें कोई पूछ ले कैसे होता तो बता, चल ये खोल दिया पूरा. समझा मेरी बात? दिस शुड बी योर कॉन्सेप्ट. ओके, पता है अगर इस कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ाई करी ना बेटा, तो व्हाट इज द रिजल्ट? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितना ही घुमा फिरा के पूछ ले, आप टेंशन में नहीं आओगे. और दीज आर सीए फाइनल्स, बिलीव मी, मैं अगर आपको 1000 क्वेश्चन भी करा दूंगा तो आना नेक्स्ट 1001 वाला क्वेश्चन है वहां पे. और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने भले ही 100 क्वेश्चन किए पर सर 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे सर. समझे? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, मेरी बात समझिएगा आप. मान लो सर, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे. मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन, और पेन एग्जम्प्ट है मान लो एक्साइज से. अभी एक्साइज चल रहा है सर, जीएसटी नहीं आया अभी. ठीक है सर, पेन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम एक्साइज. ओके सर, पर इसका रॉ मॉडल जो मैंने परचेज किया प्लास्टिक, वो एग्जम नहीं है सर. आउटपुट गुड्स हो सकता है एग्जम्प्ट हो, जरूर थोड़ा इनपुट एग्जम्प्ट हो यार उसके. तो सर मैंने इनपुट परचेज किया कितने में? 100 में. अगेन उस पर एक्साइज पे क्या 10% होता है, कितना? 10, टोटल 110. मैंने 110 है, मैंने क्या परचेज किया भाई? रॉ मॉडल परचेज किया, इनपुट्स परचेज किए. क्लियर? अब सर इन इनपुट को यूज लूंगा किसको बनाने के लिए? आई विल मैन्युफैक्चर पेन, एंड पेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. क्लियर? यू टेल मी, जब पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है तो पेन पे एक्साइज लगने वाला है क्या? नहीं. अब पेन पे अगर एक्साइज नहीं लगेगा तो क्या कोई मल्टीपल टैक्स होगा? आवाज नहीं आ रही. ओए, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला है क्या? गवर्नमेंट ने सेनवर्ट क्रेडिट देने से मना कर दिया, मतलब नहीं देंगे सर हम क्रेडिट. आगे हम देखते क्या हो रहा है, तकलीफ आएगी तो बात करेंगे गवर्नमेंट से हम. सर गवर्नमेंट कौन है? बस दैट्स इट. प्रॉब्लम आएगी तो बात करेंगे सर. सर गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया. यू टेल मी, मेरी कॉस्ट कितनी होगी सर? कॉस्ट कितनी हो गई? मैंने वैल्यू एडिशन किया, कितना? 40, टोटल 150. ये आपका भाई पेन बन गया. इस पे एक्साइज कितना है सर? 150 में मैंने इस पेन को सेल किया. यू टेल मी, गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया, क्या कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है? आवाज नहीं आ रही. ओए, क्या कोई कैस्केड इफेक्ट हुआ है? नहीं. समझे आप मेरी बात? तो गवर्नमेंट ने अगर क्रेडिट देने से मना किया तो गलत किया कि सही किया? आवाज नहीं आ रही. ओए, इसलिए परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है. ये एक मिथ है गवर्नमेंट सबके बीच में कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है. सर परचेज पे टैक्स पे किया होता इसलिए क्रेडिट मिलता तो आपने जो शर्ट पहनी है उसका भी आपने क्रेडिट लिया होता. परचेज पे टैक्स पे क्रेडिट नहीं मिलता. अब मुझे बताओ क्रेडिट क्यों मिलता है? अब आंसर आएगा ना, माहौल आंसर आएगा. अब समझ में आया 10 का क्रेडिट क्यों मिला? अब सुनना मेरी बात को. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है. अगर 140 पे नहीं लग रहा होता तो, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. पक्का? पक्का? अब सर आवाज आपकी तरफ से आएगी, आप बोलोगे ये मंत्र है इनडायरेक्ट टैक्स का, ध्यान रखना आप. ये वो मंत्र है जिसके बेस पे पूरा जीएसटी समझ में आएगा आपको. क्लियर? तो 1 2 3 गो. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 भी लग रहा है, विच इंक्लूड्स
ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला. ओके तो सर एक बार और, 10 का क्रेडिट क्यों मिला इसको पता है, बोलना नहीं है, फील करना है. आंखें बंद वीडियो क्लास, आंखें बंद भाई, देख क्या रहे हो ऐसे. सर आंखें बंद, 10 का क्रेडिट. अच्छा फील करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है. फील बोलना नहीं है. टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स यार, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. मल्टीपल टैक्स हो रहा है. वो 100 रुपए जिसपे हमने टैक्स पे कर दिया उस पर वापस से टैक्स लग रहा है. वो 10 रुपए जो इस पे हमने टैक्स पे किया, 10 रुपए जो हमने टैक्स पे किया सर उस पे वापस से टैक्स लग जाता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला. ओम शांति शांति. धीरे से आंख खोलना बेटा, अबे सो कौन गया वे सर. तो समझ में आपको विजुलाइज हुआ कि आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है सर. पक्का 100%. ओके ठीक है सर. ओके तो आपको यह समझ में आ गया कि आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला. पक्का एकदम फील भी हो गया आपको शानदार वाला कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, विजुअलाइज हो गया पूरा आपको. पक्का ओके डन. चलिए सर अब बात करते हैं, काम करते हैं कि यार सर जब जीएसटी नहीं था, एक्साइज था ओके, पर वेट भी तो था सर, सेल्स टैक्स. चलिए सर अब वेट और सेल्स टैक्स दोनों का साथ में एग्जाम्पल, वेट और एक्साइज दोनों का साथ में एग्जाम्पल लेते हम लोग. अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ओके. ओके मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं सर. ओके मालिक ठीक है. अब मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने पेन परचेज किए, सॉरी प्लास्टिक परचेज किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने इनपुट परचेज किया सपोज 100 में, मैन्युफैक्चरर से परचेज किया सर, उसने क्या लगाया होगा अगेन रेट 10%, कितना हो गया सर 10, टोटल 110. पर सिंस उस पर्सन ने सेल भी तो किया है सर, जिसने मैन्युफैक्चर किया एक्साइज लग गया बट उसने सेल भी किया सर, दैट्स व्हाई ही विल चार्ज सेल्स टैक्स व्हिच इज कॉल्ड वेट. ओके वेट था मान लो 4%, 4.4, टोटल 114.40. तो मेरे को परचेज बिल आया 114.40 का, उसमें से 10 क्या था भाई एक्साइज, 4.4. अब आवाज है चाय पीने के बाद सब. सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर सिंस आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स, एंड मार्कर मैन्युफैक्चर करने में क्या लगेगा सर, मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने में क्या लगेगा एक्साइज, एंड मार्कर जब सेल करूंगा तब क्या लगेगा सर वेट. ओके ऑन सेल ऑफ दिस मार्कर्स आई विल हैव टू पे द एक्साइज एज वेल एज वेट, और मैंने परचेज पे ऑलरेडी क्या पे किया है एक्साइज प्लस वेट, तो मेरे को दोनों को क्या मिलेगा क्रेडिट. तो सिंस एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका क्रेडिट भी कौन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसको बोलते थे सेनवेट क्रेडिट. सेनवेट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वेट, सेंट्रल वेट एक तरह से हो गया. ओके तो मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल किया 10 का. ओके मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया कितने का मालिक 4.40 का, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट होगी कितनी सर 100. ओके मैंने वैल्यूडेशन किया फिर 40 का, टोटल 140. ये मेरा हो गया सेल प्राइस ऑफ दी मार्कर, ये मेरा आउटपुट गुड्स. ओके सर जब मैं इसको बेचूंगा सबसे पहले क्या लगेगा एक्साइज सपोज 10% होता है 14, टोटल 154. जब बेचूंगा अगेन क्या लगेगा वेट, वेट इज द रेट सपोज 4% अगेन कितना होता सर 6. बोलो ना भाई 16. ओके क्लियर सर, टोटल 160.16.
ये हमारा सेल इनवॉइस बन गया 160.16 का इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आपको 160.16 में सेल कर दिया, आपसे मैंने 160.16 ले लिया, इसमें से 14 क्या है जल्दी बताओ फास्ट, 14 क्या है? एक्साइज किसको पे करना है? आवाज नहीं आ रही होई? ओके कैसे पे करूंगा? मेरे पास 10 का क्या पड़ा है? तो आई विल अवेल, आई विल यूज सैंडविच क्रेडिट ऑफ रुपीज 10 एंड बैलेंस 4 आई विल पे, गुड आउट। ओके 6.16 कैसे पे करूंगा मालिक? 4.40 का वैट क्रेडिट यूज करूंगा और बैलेंस 1.76 पे कर दूंगा, यस या नो? चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा आपसे ये है, मान लो कभी मेरे पास सैंडविच क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा है, मान लो 20 का लाइबिलिटी, 20 का क्रेडिट पड़ा है सर और लाइबिलिटी केवल 14 की है सर, सपोज 6 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है मेरे पास सैंडविच क्रेडिट और वेट क्रेडिट कम है सर, क्या सैंडविच क्रेडिट वेट की लाइबिलिटी को पे करने में काम ले सकता हूं क्या सर मैं? आवाज नहीं आ रही सर, पक्का नहीं? क्यों नहीं? डिफरेंट गवर्नमेंट्स, आपने एक्साइज पे किया था किसको? क्रेडिट भी कौन देगा? क्या वेट की लायबिलिटी के लिए सैंडविच क्रेडिट यूज कर सकते हैं क्या सर हम? चलो रिवर्स केस लेते हैं, मान लो कभी वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा है, मान लो सपोज इफ यू हैव एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ वेट कैन यू यूज इट फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल टैक्स एक्साइज? आवाज नहीं आ रही हुई, व्हाई नॉट? क्योंकि आपने वेट किसको पे किया है? स्टेट गवर्नमेंट को, क्लियर? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगी कभी इसका? नहीं, क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए वेट का क्रेडिट वेट में काम आएगा, सैंडविच क्रेडिट सैंडविच के लिए काम आएगा सर, यस या नो? कारण क्या है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी रेवेन्यू जिसको मिला वही क्रेडिट देगा ना यार, सिंपल लॉजिकल, पक्का? ओके चलिए अब मेरा क्वेश्चन अगेन आपके लिए आ गया है, क्या आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला जल्दी से? क्योंकि भूल गए, 10 का क्रेडिट क्यों मिला जल्दी से? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स ऑन विच यू ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है, सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड 10 का क्रेडिट मिला, हाँ या ना? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था आखिर ये 4.4 का क्रेडिट क्यों मिला सर, जल्दी से 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110, क्योंकि देखो 154 में एक्साइज भी है सर, हाँ है ना? ओके वापस बोलेंगे तो सर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिल रहा है सर? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है, सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड 4.4 का वेट क्रेडिट मिला, हाँ या ना? मतलब सैंडविच हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली सेम, डिफरेंस क्या है? सैंडविच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेट इज द रेवेन्यू ऑफ, दैट्स इट, वही तो है सीजीएसटी और आ रहा है आनंद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब लग रहा है सर हम जीएसटी पढ़ने ही आए सर आप समझे मेरी बात? आप मुझे बताओ क्या सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी मिलेगा? एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए मिलेगा क्या सर? बस आ गया कॉन्सेप्ट खत्म, समझे मेरी बात? आएगा धीरे धीरे होले होले, पर सिस्टम समझ में आ रहा आपको? पक्का क्रेडिट का सिस्टम समझ में आया आपको? तो दिस इज हाउ सैंडविच एंड वेट वर रनिंग। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मान लो, हाँ बोलो, सेम टैक्स पर सेम टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, एक्साइज पर वेट लग रहा है उसको कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं बोलते थे, पर फिर भी यू आर करेक्ट, इसलिए तो जीएसटी आया है, समझे मेरी बात? यस सर करेक्ट, कुछ हद तक कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है क्योंकि एक्साइज पर भी वेट लग रहा है सर, दैट्स वाई जीएसटी आया अभी, आ रहा है अभी, इट्स ऑन इट्स वे, समझे मेरी बात? और यही तो यही वो रीजन से जो अगर आपको अपने आप समझ में आएंगे तो बुक से याद नहीं करना पड़ेगा सर आपको, मैं इसमें क्यों पढ़ा रहा हूं आपको,
ये बुक से याद नहीं करना अपने को यार, अपने आप आंसर आना चाहिए। यस सर, कैसे नहीं, फिर कभी हो रहा है सर, अभी हो रहा है, अभी रुक सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, तो यार सिंपल सी चीज बताओ मुझे आप, अगर मान लो मेरी सेल पर वेट लगता है, एक्सरसाइज नहीं लगता, चलो एक्सरसाइज एग्जेम्प्ट है, वेट एग्जेम्प्ट नहीं है, तो बताओ सैंडविच किट मिलेगा क्या? आवाज यार देखो यार, वेट क्रेडिट पक्का पक्का। चलो अगर मेरी सेल पर एक्सरसाइज लगता है पर वेट एग्जेम्प्ट है, तो सैंडविच क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट पक्का। ओके, मतलब ये जरूरी तो नहीं है ना कि परचेज पे टैक्स पे क्या तो क्रेडिट मिलता ही मिलता है, पक्का। वेरी गुड, ओके चलिए सर, अब अगली बात करता हूं मैं। मान लो सर्विस टैक्स की बात करता मैं आपसे सर, सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज वॉज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ, ओके वेट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखना ध्यान से मंगेश भैया, कि सर अगर अगर मान लो आई एम अ सर्विस सप्लायर, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं सर, सर्विसेज, सोचना ध्यान से, उस पर क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में किसको पे करने वाला हूं, ओके सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने मान लो ये लैपटॉप परचेज किया, या आईपैड परचेज किया, कैमरा परचेज किया, प्रोजेक्टर परचेज किया, बहुत सारे सिस्टम परचेज किए, एसी परचेज किया, इस पे मैंने क्या पे किया, एक्साइज पे किया, कोचिंग पढ़ाने के लिए मैंने ये मार्कर परचेज किया, इस पे मैंने क्या पे किया भाई, एक्साइज। एक्साइज किसको पे किया, मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया, सेल पे क्या पे करने वाला हूं, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसको पे करूंगा मैं, एक्साइज किसको पे किया, बताओ दिल क्या कहता है, क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा। चलिए परचेज पे क्या क्या, वेट, सेल पे क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स, क्या वेट का क्रेडिट सर्विस टैक्स लिए मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, दिल क्या कहता है, नहीं मिलता था, दैट्स इट, क्लियर, समझा मेरी बात। चलिए सर, परचेज पे आपने सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो, दोनों किसका रेवेन्यू है, इसलिए दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था सर। इसलिए आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, दोनों को एक ही अकाउंट में, उस अकाउंट का नाम है क्या, सैंडविच क्रेडिट, एक ही अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे सर। अब लायबिलिटी भले ही एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए काम आता था सर। मतलब आपने परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, भूल जाओ, डायरेक्ट एक ही अकाउंट में डालेंगे, उसको नाम क्या है, सैंडविच क्रेडिट अकाउंट। और सेल पे क्या लगने वाला है, एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो सैंडविच क्रेडिट यूज हो जाएगा। क्लियर, पक्का, डन। चलिए सरकार, तो अगला पॉइंट, अगली बात मेरे लिए जो आ रही है वो आ रही है कि सर अब एक इंडस्ट्री का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तीन इंडस्ट्री होती है सर, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री। क्लियर, तीन सेक्टर है सर। आई एम अ मैन्युफैक्चरर, चलो सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, परचेज पे उसने एक्साइज भी पे किया होगा, परचेज पे उसने वेट भी पे किया होगा, सेल पे क्या लगने वाला है, एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा सर। नाउ यू टेल मी, अगर परचेज पे एक्साइज पे किया, परचेज पे वेट पे किया और सेल पर एक्साइज भी है और वेट भी है, यू टेल मी मेरे को क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसका मिलेगा सर, आवाज नहीं आ रही, ओए दोनों का मिलेगा सर, पक्का। तो सर मैन्युफैक्चरर अगर मैं हूं, मैंने परचेज पे अगर एक्साइज पे किया, तो मुझे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, होता ना, आई एम अ मैन्युफैक्चरर पर मैंने कंसल्टेंसी ली आपसे सर, एडवर्टाइजमेंट करवाया आपसे सर, मार्केटिंग करवाया मैंने आपसे, अरे यस एंड नो, तो सर मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, मेरे को उसको क्या मिल जाएगा, सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। परचेज पे अगर मैंने वेट पे किया तो मेरे को वेट का क्या मिल जाएगा सर, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा सर। अब सेल पे भले एक्साइज लगे या वेट लगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, दोनों का मेरे को क्या मिलने वाला है, क्रेडिट, कोई डाउट। चलो सेकंड केस, मान लो आई एम अ ट्रेडर, दिल थाम के आई एम अ क्या करता हूं साहब, ट्रेडिंग करता हूं, परचेज करके बेचता हूं, परचेज पे क्या पे किया, परचेज, चलो आई एम ए ट्रेडर और मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया सर,
परचेज भी क्या पे किया होगा, एक्साइज एज वेल एज वेट। अच्छा मैंने, आई एम अ ट्रेडर, मेरी दुकान है सर, मेरा शोरूम है, मैंने आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, आपसे ऑडिटिंग सर्विसेज ली, आपसे अकाउंटिंग सर्विसेज ली, उस पर क्या पे क्या होगा? कई सारी सर्विसेज मैंने ली यार अपने बिजनेस के लिए, मेरी सेल पे क्या लगने वाला है? आई एम अ ट्रेडर वेट। अब जब मैं सेल पे वेट पे करूंगा, परचेस पे मैंने एक्साइज भी पे किया है, सर्विस टैक्स भी पे किया है, वेट भी पे किया है, यू टेल मी किसका ग्रेड मिलेगा किसका नहीं मिलेगा? सिर्फ वेट का मिलेगा, सर्विस टैक्स का, एक्साइज का, पक्का 100%। तो सोचो आप, आई एम अ ट्रेडर बिफोर जीएसटी, आप सोचिए आप, आई एम अ ट्रेडर, मेरा शोरूम है सर, मैंने आपसे कंसल्टेंसी ली, मार्केटिंग करवाया, बिल पे सर्विस टैक्स लग गया है 15%, 10 लाख की सर्विसेज भी मैंने अगर ली है साल में फॉर द एंटायर ईयर, अगर 10 लाख की सर्विसेज भी ली है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, उसने 1.5 लाख क्या पे क्या होगा सर्विस टैक्स? क्या एक भी रुपए का क्रेडिट मिल रहा है उसको? एक भी रुपए का पूरी कॉस्ट है सर उसकी, कॉस्ट मेड हो जाएगा सर उसके। आप मुझे बताओ, दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? आवाज नहीं आ रही हुई? चलो, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरा एसी का शोरूम है सर, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं सर, मैं डायरेक्टली कहां से परचेस करता हूं? मैन्युफैक्चरर से। उसने बिल पे क्या लगाया होगा? एक्साइज प्लस वेट, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर, सिंस आई एम अ ट्रेडर, बेचने में केवल क्या लगने वाला है? वेट। यू टेल मी, मैंने एक्साइज पे किया, एक रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर? आवाज नहीं आ रही हुई? दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा सर? पक्का 100%। ओके सर, ये हो गया ट्रेडिंग इंडस्ट्री का दुख बिफोर जीएसटी। ओके, सर्विस इंडस्ट्री में आए थे हम सर, ये आप तो एग्जांपल लो मेरा ही, कोचिंग इंडस्ट्री का, दुनिया भर को मैंने 10 क्रेडिट क्यों मिला, 10 क्रेडिट क्यों मिला पढ़ाता रहा मैं। अब खुद की बात करता हूं, बिफोर जीएसटी कितना क्रेडिट मेरे को मिलता था सर, आप मुझे बताओ। मैंने अपने इस क्लासरूम के लिए ये आईपैड परचेज किया, स्टूडियो लाइट परचेज करी, कैमरा परचेज किया सर, सेटअप परचेज किया, यू टेल मी आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या लगेगा सर? सर्विस टैक्स, क्या वेट लगता है सर? आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए, परचेज पे अगर मैंने एक्साइज पे किया होगा या सर्विस टैक्स पे किया होगा, मेरे को क्या मिल जाएगा? सैंडविच क्रेडिट। पर मैंने परचेज पे अगर वेट पे किया होगा तो कोई क्रेडिट? ओके सर, अगर मैंने ये लैपटॉप परचेज किया, मान लो इसके परचेज पे अगर मैंने क्या पे किया है? एक्साइज, क्रेडिट मिल जाएगा वेट का, पक्का 100%। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मैं ये लैपटॉप अगर परचेज करूंगा, ये प्रोजेक्टर अगर परचेज करूंगा, एसी परचेज करूंगा, तो कहां से करूंगा सर? मैं डायरेक्ट फैक्ट्री तो जाऊंगा नहीं सर, आप समझना मेरी बात को, मेरे को एक कैमरा परचेज करना है, कहां फैक्ट्री पहुंचूंगा इसकी मैं? ये सोनी, इसका फैक्ट्री कहां है? गुड़गांव, पता है आपको? गुरुग्राम, पता है आपको? तो सर, वैसे मुझे भी नहीं पता, पर सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, क्या मैं एक कैमरा लेने के लिए मुंबई से गुरुग्राम जाऊंगा सर? वहां चला भी गया तो क्या एक कैमरा बेचेगा मेरे को क्या? बोलेगा बाहर निकल भैया फटाफट। यस या नो? यू टेल मी, ये एसी परचेस करना है, प्रोजेक्टर परचेस करना है, एक लैपटॉप परचेस करना है, कैमरा परचेस करना है, कहां जाऊंगा मैं? कोई पास में एक शोरूम होगा, दुकान होगी, वहां जाऊंगा सर मैं? वो बिल भी क्या लगाएगा सर? आवाज नहीं आ रही? ओए वेट, ही कांट चार्ज एक्साइज, पक्का परचेज पे उसने वेट पे किया, क्लियर सर? मेरी सेल पे क्या लगेगा? क्या कोई क्रेडिट मिलेगा? आवाज नहीं आ रही हुई? क्या लिखा होता तो क्रेडिट मिलता? एक्साइज होता तो क्रेडिट मिलता, पर जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। मेरा जिंदगी ऐसी चल रही थी सर बिफोर जीएसटी। अब थोड़ा इमोशन से बाहर आ जाओ सर वापस। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर, प्रैक्टिकली होके सोचिए आप। आप तो छोटा सा एग्जांपल हो इस क्लासरूम का यार। सर, जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, हर एक चीज कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुई है सर। मैन्युफैक्चर ने भी क्या लगाया? एक्साइज, एक रुपए का भी क्रेडिट प्रैक्टिकली सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मैं मैन्युफैक्चरर की अगर बात करूं तो ये मत समझना कि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज का क्रेडिट मिलता तो हर चीज का उसको क्रेडिट मिलता होगा। अब मैन्युफैक्चरर ने भी अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने ऑफिस के लिए एसी परचेज किया होगा, लैपटॉप परचेज किया होगा, तो क्या उसने भी मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा? क्या उसने भी मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है? नहीं ना, तो कई सारी गुड्स का उसको भी क्रेडिट
सोचिए आप कितना कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, कितना मल्टीपल टैक्स हो रहा था बिफोर. तो देर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, देर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम. अच्छा देखो, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया क्रेडिट लेने के लिए. गवर्नमेंट ने बोला था सर्विस प्रोवाइडर, आपने परचेस पे अगर एक्साइज पे किया है आप क्रेडिट लो. पर सर बिल पे लिख के ही नहीं आ रहा तो क्रेडिट कैसे लूंगा मैं यार. सो गवर्नमेंट ने मना नहीं किया, पर देर वॉज अ लैक ऑफ सिस्टम. ऐसा सिस्टम की जरूरत थी कि यार हमको परचेस पे टैक्स जो पे किया है वो हमारा हक है यार, इट्स आर राइट टू टेक द क्रेडिट, पर मिल नहीं पा रहा था. क्लियर? सो देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम सो दैट क्रेडिट जो है वो एकदम स्मूथ फ्लो करने लग जाए. हा है ना? क्लियर? इसलिए देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जिसका नाम था क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गवर्नमेंट के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हमें सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स कर दे. नाम क्या होगा? जीएसटी. गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक ही टैक्स. वन नेशन. अभी वन मार्केट बाद में आएगा थोड़ी देर बाद. वन नेशन वन टैक्स. यस या नो? क्यों ना हम एक देश के अंदर एक ही टैक्स लगा दे. सर परचेज पे, सर सर्विस सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, सेल पे क्या लगाएगा? आवाज नहीं आ रही. देखो, सेल पे क्या लगाएगा? परचेज पे क्या पे करेगा? परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज और क्रेडिट. भले ही आप किसी भी परचेज करो, भले वो डीलर हो, भले वो मैन्युफैक्चरर हो या भले वो, दिस वॉज द ड्रीम ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द जीएसटी. पर सर जीएसटी की राह इतनी आसान. अच्छा, गवर्नमेंट ने बात उठाई कि जीएसटी लाना है. ऐसा नहीं है 2014 में ही जीएसटी आया. अरे जीएसटी का सपना बहुत पुराना था गवर्नमेंट का, बहुत पुराना, बहुत पुराना सर. 1994 जब आप बहुत छोटे थे, मैं भी छोटा था सर उस टाइम. सर बहुत सारे लोग तो सर सर 1994 पहली बार आया सर्विस टैक्स. 1994 में ही सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था. ओनली टू सर्विसेज वर देयर जिस पे लगा था क्या? सर्विस टैक्स. दैट वाज ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस. और सर्विस टैक्स का एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा गवर्नमेंट का क्योंकि गुड्स पे टैक्सेस तो पहले भी थे सर, सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं थे. क्योंकि सर गवर्नमेंट ने देखा कि सर्विसेज भी तो अब सेल हो रही है, उस पर लगना चाहिए सर्विस टैक्स. तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया सर्विस टैक्स. धीरे 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 बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए. और यू वॉन्ट बिलीव 17 ईयर्स में, मतलब 2011 तक 119 सर्विसेज ऐसी थी जिन पे टैक्स था. और 2012 में तो कमाल कर दिया पांडे जी. और सर 2012 में बोल दिया सारी सर्विस पे लगेगा टैक्स. 2011 तक हर बजट के अंदर, हर फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट कुछ कुछ नई नई सर्विसेज लेते आके लेके आ गई कि इस पे भी लगाओ टैक्स, फिर इस पे भी लगाओ. धीरे 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 ना थप्पड़ मारते, धीरे धीरे मानना चाहिए हमेशा, एक बार मानना चाहिए पूरा. तो सर 2012 में तो सारी सर्विसेज पे लगा दिया टैक्स, एक्सेप्ट कुछ सर्विसेज जिन पे टैक्स नहीं लगाना था, उसको नेगेटिव लिस्ट बोलते थे सर पहले. अब सर सर्विस टैक्स का एक्सपेरिमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हुआ गवर्नमेंट का, 2007-08 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि उस टाइम सेटल हो गया था सर्विस टैक्स. अब गवर्नमेंट ने देखा कि अब नाउ ऑन ग्लोबल प्रैक्टिसेस वी कैन ब्रिंग जीएसटी. तो ऐसा नहीं नया है कॉन्सेप्ट, कोई बहुत पुराने टाइम से बात चल रही पार्लियामेंट के अंदर. गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लाएंगे साहब. और सर एक्साइज था ही, सेल्स टैक्स था ही, सर्विस टैक्स भी आ गया. तो गवर्नमेंट बोला एक काम करते सबको मर्ज करते थे. इनफैक्ट जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2010 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, दिसंबर 2010 कांग्रेस गवर्नमेंट, इतना हार्ड वर्किंग लोग थे वो, क्या बताऊं मैं आपको सर. अभी पता पड़ेगा, दो मिनट को. अब सर दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था सर. आईसीआई हेडक्वार्टर पे लेटर आता है सर, आईसीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में लेटर आया पार्लियामेंट की तरफ से कि सर वी वॉन्ट टू ब्रिंग जीएसटी इन इंडिया और आप अपना डेलीगेशन भेजिए, आप अपना डेलीगेशन भेजिए इन द पार्लियामेंट टू से सम वर्ड्स अबाउट दिस एक्ट. और उन्होंने जीएसटी एक्ट बना दिया था, बहुत मेहनत करके पूरा सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट कर दिया था सर. सर सर कुछ फॉरेन कंट्री से कॉपी करके पेस्ट. और जीएसटी एक्ट रेडी था और इनफॉर्मली आईसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम प्रेजेंटेशन कुछ भी दो आएगा तो जीएसटी ही.
कुछ भी, और आईसीए को कुछ 20 मिनट का वक्त दिया, 20 मिनट्स, देश का पूरा टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है एंड दे गिव द टाइम ऑफ 20 मिनट्स टू द आईसीआई, दैट वाज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई, और इनफॉर्मली बोल दिया कि आएगा तो जीएसटी, पर उनको नहीं बताता आया तो मोदी जी है। सर अब पॉइंट ये, दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन, आईसीआई ने डेलीगेशन हेड करते हुए भेजा सर, एंड वहां पर 5 मिनट का स्पीच दिया, 5 मिनट तक ना कांग्रेस आई ना जीएसटी आया सर, 5 मिनट। उन्होंने बोला नो डाउट एंड दिस इज द रियलिटी, नो डाउट जीएसटी शुड बी देयर, देयर शुड बी टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, बट विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। आप ऐसे कंट्री से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो जो हमारे किसी स्टेट से छूटे हैं सर, सिंगापुर वगैरह, महाराष्ट्र से छूटे सर, एंड यू वॉन्ट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। हाँ सर हमारे स्टेट चेंज करो, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सर, भगवान चेंज हो जाएंगे हमारे, खाना चेंज हो जाएगा सर, पूजा का सामान चेंज हो जाएगा सर। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा सर्विस टैक्स एक्साइज में कोई दिक्कत नहीं था, ये तो पहले भी एक ही थे अभी भी एक ही है, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था, कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसी थी सर, वैट लॉ की, क्योंकि वैट वॉज द लॉ ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वैट लॉ बनाया था, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने सर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, रिलीजनल चीजों को ध्यान में रखते हुए, एंड सर यू नो ऑल दी स्पिरिचुअल और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेट लॉ बनाया हुआ है सर, एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। मुंबई का नरीमन पॉइंट, कोलकाता का झवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटी, दोनों का पीक एरिया, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है, हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो बीजेपी का हो भले वो कांग्रेस का हो, एवरीबॉडी वॉज विथ आईसीआई एंड वही पर मैटर क्लोज, एंड सर ना हो पाया, ना हो पाया सर। और बाद में न्यूज में आके इन्होंने ये बोला कि हाँ बस अगले सेशन में आ जाएगा, फरवरी सेशन में आ जाएगा, फरवरी खत्म हुआ जुलाई में आ रहा है सर बस, जबकि पप्पू पास ना हुआ सर। पॉइंट मेरा आपसे ये, तो सर अल्टीमेटली पॉइंट वॉज दैट कि विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया यू कांट ब्रिंग द जीएसटी एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो सर अब आइडिया है आप क्या करें सर, तो बोला एक काम करते हैं, अगर जीएसटी आएगा तो क्या सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टेट के टैक्सेस भी मर्ज हो रहे हैं ना सर। अब सेंट्रल लेवीज एंड स्टेट लेवीज दोनों अगर सब्स्यूम हो रही है तो रेवेन्यू दोनों को मिलना चाहिए सर। तो सर वहां से आइडिया आया कि एक काम करते हैं, हम भी ड्यूअल मॉडल जीएसटी लाएंगे सर। ड्यूअल मॉडल मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जैसे अभी भी क्या था सर, एक्साइज और वेट, सेम वे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ एंड सीजीएसटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दे केम आउट विद द आइडिया ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, समझा मेरी बात, क्लियर। तो सर सीजीएसटी वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब सर जीएसटी का आइडिया तो आ गया सर, अब इंप्लीमेंट करना है सर इसको, क्लियर। अब सीजीएसटी भी ले आएंगे, एसजीएसटी भी ले आएंगे, अब पॉइंट आया क्या, वन नेशन। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी ले आए तो बात तो वही होगी सर, एक्साइज और वेट, तो फिर जीएसटी लाने से क्या फायदा सर, चलने तो जो चल रहा है वो, यस या नो। तो सर गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं टैक्स तो एक ही रहेगा सर, टैक्स तो मतलब एक्ट सब तरफ सेम रहेगा सर। अब अगर एक्ट सब तरफ सेम रहेगा, समझना बात को ध्यान से सर, मतलब एक्ट बनाएगा कौन, हम कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बहुत कैसे बनाएंगे सोचिए आप ध्यान से भाई। अगर जीएसटी एक्ट बनाना है, अगर वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे पूरा, तो स्टेट की पावर तो खत्म, स्टेट के अगर पावर खत्म हो गए बिल्कुल, तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्री करेगा इसके लिए। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था सर, भारतीय संविधान में, एंड जब तक स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी सारी, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जीएसटी इंडिया में आ जाए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना था सर। अब सर अगर एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी एग्री नहीं करेगी। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट को अगर पावर दे दे,
तो स्टेट गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से सोचेगी ना यार, महाराष्ट्र विल थिंक फॉर महाराष्ट्र ओनली, राजस्थान विल थिंक फॉर राजस्थान एंगल, क्लियर? तो सर वो कैसे होगा, बात वहां पर अटक गई वापस से कि एक्ट कौन बनाएगा? तो फिर अभी आपने कहा ना हम सब मिलकर बनाएंगे, बोला ना आपने, क्या करेंगे सर हम ये जो एक्ट बनाएंगे वो क्या करेंगे? क्योंकि अगर अलग अलग एक्ट बन गया तो बात तो वही आ गई सर, वेट और एक्साइज वाली, हम सब मिलके बनाएंगे। अब मिलके कैसे बनाएंगे सर? तो इसलिए दे फॉर्म्ड अ जीएसटी काउंसिल, इसलिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई जिसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे सर हमारे, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी है, क्लियर? एंड उनके कुछ मेंबर्स होंगे, एंड हर स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके वहां भेजेगी सर। तो दैट विल बी अ जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल मिलके डिसाइड करेगी कि एक्ट में क्या होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, मिलके डिसाइड करेगी ये होगा, और वो जो मिलके डिसीजन लेंगे वो फिर भेजेंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और सारे स्टेट गवर्नमेंट को, और वो डिसीजन होगा सबके लिए कॉमन होगा, एंड सारे लोग एग्री करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको इंप्लीमेंट करेगी, और सेम डे। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरे देश के अंदर एक ही एक्ट है। अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब क्लियर, जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली वही का लिखा है सर, क्लियर? समझा मेरी बात? इसलिए जो रेट ऑफ टैक्स सीजीएसटी का वही किसमें है, एसजीएसटी में। अब अगर एसजीएसटी को कोई अमेंडमेंट करना है तो क्या करेंगे सर? मान लो किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है सीजीएसटी की 9% और एसजीएसटी की कितनी सर, 9%। मान लो साहब वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमको हमारे यहां पे एसजीएसटी में 6% करना है, क्या वो कर सकते हैं? सोचो अगर ये पावर उनको दे दे तो क्या हो, 6% कर दिया, जैसे ही वहां पे 6% किया एसजीएसटी, सीजीएसटी भी कितना करना पड़ेगा? अब सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 6% कर दिया तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को, तो पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं सब में कितना? ममता मैडम बोले कल, नहीं वापस 9 कर देते यार, एक काम करते हैं सर कैसे रूल हो पाएगा, आप समझे? दैट्स व्हाई जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो ये अमेंडमेंट हो पाएगा, और जो उन्होंने रिकमेंड किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होगा, और समझे आप मेरी बात? इसलिए आपने सुना होगा कि इस बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन लिए गए, हाँ है ना, क्लियर? वो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ओके क्लियर? चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, मेरी आवाज नहीं आ रहा भाई? चलिए सर, ओके, अगला एग्जांपल, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर अब आपने बात कर ली कि सर जो सीजीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे वो था सीजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो क्या था? ओके, मान लो मैं कहा हूं सर, मैं कहा बैठा हूं अभी, कुछ मुंबई महाराष्ट्र ना अंधेरी, मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया, अभी जीएसटी आ गया है सर हिंदुस्तान में, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और आपको बेच दिया, अरे क्लियर सर? आप भी कहो महाराष्ट्र में, मैं भी कहूं मैंने कोई गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेची, विद इन द स्टेट सेल किया है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या होता है सर ये? क्या लगेगा सर? सीजीएसटी एंड ओके, चलो फिगर्स में कन्वर्ट कर लेते सर इसको। 1 लाख की गुड्स मैंने आपको सेल करी सर, मैंने क्या कहा, हाँ हाँ नहीं बोल पा तो हूं कर लिया कम से कम सर, 1 लाख की कोई गुड्स मैंने आपको सप्लाई करी, क्लियर? 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, विद इन द स्टेट है हम, 18% टैक्स सर। यू टेल मी सर, मैं आपको इन्वॉइस कितने का बनाऊंगा सर? 1 लाख प्लस 9% सीजीएसटी, 9% पक्का? ओके, तो मैंने आपके लिए इन्वॉइस बना दिया 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 9 लाख रुपए, 1 लाख पर 9,000 रुपए मैंने सीजीएसटी ले लिया, 9,000 रुपए मैंने एसजीएसटी ले लिया, आपसे कलेक्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं किसको पे करूंगा, कौन सी गवर्नमेंट को, जल्दी बताओ, 9,000 किसको पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, क्लियर पक्का? ओके, क्या नाम सर आपका?
बिलाल भाई, तो सर आपने मेरे से गुड्स परचेज किया, आपने आगे सेल किया उनको, क्या नाम सर आपका? राज को। क्लियर? राज भी महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र में, आपने गुड सेल किया इनको कितने में? 2 लाख रुपए में। कितने में गया सर? ओके, अगेन इंटरेस्टेड सप्लाई सर, 18% टैक्स है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो सर 18,000 क्या हो गया सर? सीजीएसटी 18,000 क्या हो गया सर? एसजीएसटी। क्लियर? ओके, जब आप इनसे कलेक्ट करेंगे 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी, गवर्नमेंट को पे करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट को पे करेंगे, कितना पे करेंगे सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे 18,000, उसमें 9,000 का क्या आपके पास क्रेडिट पड़ा है सर? अरे क्लियर, तो रिमेनिंग 9,000 आप क्या कर देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया आपने? 9,000, उससे आपके पास क्रेडिट है, 18,000 पे करना है, 9,000 का क्रेडिट लेंगे और 9,000 आप क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यस या नो? पक्का? क्लियर? ओके, तो अल्टीमेटली कस्टमर से कितना लिया आपने, राज्य से कितना लिया? 18,000। 18,000 क्या किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 18,000 क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास? अल्टीमेटली 36,000 आपने इनसे टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। पक्का? ओके, मिस्टर राज, आपने गुड्स वहां से कहां बेचा? गुजरात में। गुड्स अभी महाराष्ट्र से कहां जा रहा है सर? क्या नाम सर आपका? चिराग। राज भाई ने गुड्स बेचा किसको? चिराग भाई को। एंड सर अब आप मुझे बताओ, गुड्स अभी गया है महाराष्ट्र से कहां? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। अब रेवेन्यू किसको दूंगा मैं? सेंट्रल को। पक्का? बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। सीएसटी मिलता था किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, और बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर आप मुझे बताओ, अभी सारा रेवेन्यू अगर सेंट्रल को दे दे तो क्या स्टेट गवर्नमेंट मानेगी? स्टेट गवर्नमेंट एग्री करेगी? बोले नहीं सर। वाह भाई मोदी जी, आप ही सारे लड्डू रोगे क्या हाथ में? है ना, क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्री करेगी? इसलिए एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, नाम क्या था सर? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जो रेट सीजीएसटी का होगा प्लस एसजीएसटी सर, वो हो जाएगा कितना? आईजीएसटी। क्लियर? तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, हो गया कितना? 18% आईजीएसटी। जब आपने गुड्स महाराष्ट्र से कहा बेचा साहब, क्या लगेगा? आईजीएसटी। मान लो टैक्स का अमाउंट था कितना? 50,000, वैल्यू छोड़ो भी, अब आईजीएसटी इज द 50,000। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने मिस्टर चिराग से, मिस्टर राज ने क्या किया होगा? 50,000 रुपए आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा सर, 18% से जो भी अमाउंट भर रहा हो सर। क्लियर? अब 50,000 आपने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया है वो किसको पे करोगे आप? तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया? सर दिस अकाउंट इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले आप आईजीएसटी पे करेंगे, एक अलग फंड बनाया गवर्नमेंट ने। क्या किया सर? सीजीएसटी का फंड अलग, एसजीएसटी का फंड अलग, आईजीएसटी का फंड अलग। आपने आईजीएसटी पे करना है सर। अब 50,000 आपको आईजीएसटी पे करना है, परचेस पे क्या पे किया सर इन्होंने? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 18,000 ईच। आप मुझे बताओ, क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिल क्या कहता है आपका, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? बिल्कुल मिलेगा सर, बिफोर जीएसटी। अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया तो उस पर लगता था सीएसटी, और सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब आपने जब परचेज किया ना उसका, उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, सेल पे मिल जाता था भली। चलिए वो बात बाद में करता हूं मैं, पर अभी आपने क्या पे किया? आपने आईजीएसटी पे करना, आपको परचेज भी क्या पे किया हुआ सर आपने? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब सर 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी, और सर आईजीएसटी पे करना है। आईजीएसटी इज अ सेपरेट अकाउंट सर। अब आप मुझे बताओ, 50,000 रुपए आईजीएसटी पे करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा सर? 18,000 सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे, 18,000 एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे, और बैलेंस 14,000 पे कर देंगे। ओके, आवाज नहीं आ रही हुई? अब एक बात समझना आप, अगर 50,000 आईजीएसटी पे करने के लिए आपने 18,000 एसजीएसटी का क्रेडिट यूज किया है, 18,000 सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया है, फंड कहां जाना चाहिए था? आईजीएसटी अकाउंट में। यस या नो? 18,000 पहले किसको पे किया आपने? स्टेट गवर्नमेंट को। 18 किसको पे किया हुआ है? जबकि अकाउंट में कहां जाएगा अभी? आईजीएसटी अकाउंट में। हाँ है ना? तो पता है, जितना आपने क्रेडिट, जो जिस टैक्स का आपने क्रेडिट
आईजीएसटी को पे करने के यूज किया उतना उतना उन गवर्नमेंट से फंड मांगेंगे, इस अकाउंट डालो सर। क्लियर? अब सर क्या होगा, 18,000 जो सीजीएसटी का आपने क्रेडिट यूज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे उतना अमाउंट आपके सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के काटा लो सर। और सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई साहब हो गया ले वापस पैसे सर, एंड 18,000 एसजीएसटी से निकल के कहा जाएगा, आवाज नहीं रिका जाएगा सर। अब बताओ फंड का पड़ा है कितना पड़ा है, क्योंकि सीजीएसटी से 18 निकाल दिए, 18 निकाल दिए एसजीएसटी से, और 14 आपने और पे कर दिया, तो आईजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा है सर? सीजीएसटी में जीरो, एसजीएसटी में जीरो, फंड का है, गुड्स का है, गुड्स का है गुजरात, हा है ना सर, कहां पे गुड्स? गुजरात साहब ने कहा बेचा, गुजरात में बेच दिया सर। चलो गुजरात साहब ने कहा बेचा, राजस्थान बेचा सर। क्लियर? सर गुजरात से जब गुड्स जाएगा राजस्थान, अगेन इट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई, क्या लगेगा सर इस पे? आईजीएसटी। सपोज 75,000 वाज़ दी आईजीएसटी लायबिलिटी, आपने सेल पे आईजीएसटी पे किया, कलेक्ट किया कस्टमर से, अब सर परचेज पे आपने आईजीएसटी पे किया 50,000 रुपए का, क्या करेंगे आप? 25,000 आप और पे करेंगे और 50,000 का आप आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेंगे सर, पक्का। अब फंड का है सर, जल्दी बताओ, गुड्स का पहुंच गया, गुड्स का पहुंच गया राजस्थान। क्लियर सर? मान लो आपने राजस्थान से अगेन कहा बेच दिया, राजस्थान में बेच दिया सर। अब राजस्थान से राजस्थान में सेल हुआ, क्या लगेगा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्टेड, एंड सर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सपोज 1 lakh वॉज द टैक्स, 50,000 इज द सीजीएसटी, 50,000 इज द एसजीएसटी। यस ए नो? परचेज पे क्या पे क्या हुआ सर? परचेज पे 75,000 का आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा है राजस्थान के मिस्टर आर को, मान लो सर। अब राजस्थान के मिस्टर आर ने राजस्थान के मिस्टर जे को जो गुड सेल किया है इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, 1 lakh वॉज द टैक्स, 50,000 सीजीएसटी, 50,000 एसजीएसटी, परचेज पे पे किया उसने क्या? 75,000 आईजीएसटी, जिसका उसका आईटीसी पड़ा है उसके पास। नाउ यू टेल मी, वो कैसे पे करेंगे सर आईजीएसटी का आईटीसी सर? अरे यस एंड नो? क्लियर? आईजीएसटी का आईटीसी मान लो 50,000 उसने यूज कर लिया, किसके लिए? सीजीएसटी के लिए। रिमेनिंग 20,000 यूज कर लिया किसके लिए? एसजीएसटी, राजस्थान एसजीएसटी सर। क्लियर? अब रिमेनिंग 25,000 का लायबिलिटी बच गया किसका? राजस्थान एसजीएसटी का। वो उसने कैश में पे कर दिया सर और? अरे यस या नो? आप मुझे बताओ आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? आवाज नहीं आ रही सर? अरे पक्का? क्लियर? पहले जब सीएसटी हुआ करता था बिफोर जीएसटी, तो ये परचेज भी जो आपने सीएसटी पे किया ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। अगेन दैट वाज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट वाज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू दी एसएससी। क्लियर? तो सर अभी आईजीएसटी का क्रेडिट अगर अलाउ नहीं करते तो वन नेशन वन टैक्स ना हो पाता। हा है ना? वन नेशन वन टैक्स। क्लियर? वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट। क्यों बोला मैंने अभी? क्यों बोला? क्योंकि पहले बिफोर जीएसटी अगर आपने दूसरे स्टेट से कोई गुड्स परचेज करके अपने स्टेट में लाए हो आप, तो उस पर क्या लगा होगा? सीएसटी, और सीएसटी का कोई क्रेडिट, मतलब दूसरे स्टेट से परचेज किया तो महंगा होगा अपने लिए। अपने ही स्टेट से परचेज करते तो वेट पे करते, वेट पे करते तो उसका पूरा क्रेडिट मिलता। तो सर इस टैक्स की वजह से अदर स्टेट से अगर आप परचेज करते तो महंगा आ रहा था आपको। क्लियर? अभी क्या होगा? अपने स्टेट से परचेज करो या इंटर स्टेट परचेज करो, परचेज पे या तो आईजीएसटी पे करोगे या सीजीएसटी या एसजीएसटी पे करोगे, सबका ही आपको क्या मिलने वाला है? क्रेडिट मिलने वाला है। तो सर यहां पे आपको मार्केट प्राइस को केवल देखना है, टैक्सेशन की वजह से आपको प्राइस में इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए वन मार्केट वन टैक्स, सॉरी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। समझे? अच्छा, वन टैक्स क्यों? क्योंकि जो सीजीएसटी में लिखा है वही का लिखा है, और जो एसजीएसटी में लिखा है वही सीजीएसटी में लिखा है, पूरे हिंदुस्तान में सेम है सर। इसलिए वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। क्लियर? समझे मेरी बात? तो आपने परचेस में पे किया क्या 75,000 आईजीएसटी, अब 1 lakh का आपका लायबिलिटी जो है सीजीएसटी 50,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 50,000, यू विल यूज 50,000 फॉर सीजीएसटी, 25,000 फॉर एसजीएसटी, एंड रिमेनिंग 25,000 आप और पे कर देंगे। अब मुझे बताओ फंड का रोटेशन कैसे होगा, जल्दी बताओ। आईजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा था सर? 75,000, आउट ऑफ विच यू हैव यूज्ड 50,000 फॉर, तो वहां से अमाउंट निकालेंगे और कहां डालेंगे? सीजीएसटी अकाउंट में कितना? 50,000।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया सर, 25,000 निकालेंगे कहाँ डालेंगे सर, कौन सा एसजीएसटी? यस राजस्थान एसजीएसटी, और रिमेनिंग 25,000 आपने राजस्थान एसजीएसटी पे कर दिया सर। क्लियर? राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा है? 50,000 सर राजस्थान एसजीएसटी में, सीजीएसटी में, आईजीएसटी में। आवाज नहीं आ रही हो? पक्का? पक्का। और जिसने वो गुड्स परचेज करी थी वो मान लो था एंड कंज्यूमर, कौन था सर? अब वो आगे नहीं बेच रहा, खत्म स्टोरी ओवर। आप मुझे बताओ, देखो यार 1 lakh वॉज द अल्टीमेटली टैक्स। सर 1 lakh वॉज द अल्टीमेटली टैक्स, उसमें से 50% मिलना था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिल गया सर। रिमेनिंग 50 किसको मिला था सर? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला सर? अल्टीमेटली किसके पास रह गया सर टैक्स? अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स की। सर 50% तो मिलना था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मिल गया, बात खत्म। मेरा पॉइंट आपसे ये कि रिमेनिंग 50,000 किसको मिला था, किसको, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला है सर? गुड्स बना कहां पे? आवाज नहीं आ रही है? महाराष्ट्र। बन के कहां गया? गुजरात। गुजरात से कहां गया? अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ, तो रेवेन्यू किसको मिल गया? मतलब न महाराष्ट्र को न गुजरात को रेवेन्यू मिल गया, किसको? राजस्थान को। सर अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोलते मालिक? क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी सर? अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है सर, तो वहीं पर रेवेन्यू मिल गया, और उस स्टेट गवर्नमेंट को क्रेडिट मिला है, उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला जहां पर गुड्स क्या हुई है। बट सर बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी ऐसा नहीं था। पहले वेट लॉ में क्या होता था सर? आपने विद इन द स्टेट सेल किया, परचेज किया, वेट लगा। इंटर स्टेट ऐसे सेल किया, क्या लगा? सीएसटी। और सीएसटी क्रेडिट बायर को, तो मतलब वो रेवेन्यू कहां रह गई थी सर? उसी स्टेट में रह गई थी जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है सर। हाँ है ना? तो सर बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरर बेस्ड स्टेट्स जो थे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था, पर सर किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। एंड सर जैसे जीएसटी आया कंज्यूमर बेस्ड स्टेट जो थे उनको रेवेन्यू अब ज्यादा मिलने लग जाएगा। हाँ है ना? कंज्यूमर बेस्ड स्टेट जो होंगे अब उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। हाँ है ना? क्लियर? समझे मेरी बात आप? तो सर आप कहेंगे कि सर फिर तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स होंगे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है और कंज्यूमर कम होते हैं वो तो फिर जीएसटी के लिए एग्री नहीं होंगे सर। वो तो बोलेंगे ना सर हम नहीं, हम क्यों लॉस करें अपना। अरे हाँ है ना यार, जब जीएसटी की बातें चल रही थी सर स्टेट गवर्नमेंट को मानना था ना इसको यार, वो बोलते नहीं हम तो नहीं मानते फिर। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट क्या कहेंगे? नहीं नहीं सर हमको तो लॉस हो रहा है, वी वोंट एग्री फॉर जीएसटी, हमारा तो एक्साइज वेट चल रहा है वो बहुत है हमारे लिए। तो यस या नो? इसलिए उनको बोला दुखी मत हो, तुम्हारे लिए एक और स्कीम है सर, मोदी जी कम तो है नहीं सर। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करे, अगर तुमको लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे सर? अब कंपनसेट कौन करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम क्यों करें कंपनसेट? हमारा तो एक्साइज आ रहा था, अच्छा था, हमारा तो एक्साइज क्या दिक्कत है, वो क्यों कंपनसेट करे? तो कौन करेगा? दोनों मिलके, दोनों में कौन, कौन सा स्टेट? राजस्थान गवर्नमेंट बोले मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, तुम हमारा रेवेन्यू ले लो, ऐसा कोई देगा? सर तो जो बेवड़े ना, बेवड़े दारू पीने वाले, ये देखो सर सर टोबैको जो खाते हैं है ना, टोबैको जो मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं आप, हाँ है ना, इन कुछ गुड्स पर एल्कोल नहीं, एल्कोल को हटा दो, एल्कोल तो मैंने ऐसे बोल दिया था। तो सर टोबैको, पान मसाला, गुटखा, क्लियर, मोटर व्हीकल्स, इन पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, उसका नाम क्या दिया सर? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन सेस, आप नाम सुना होगा अगर,
कंपनसेशन सेस, ये कुछ गुड्स पे लगाया एक्स्ट्रा टैक्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल जीएसटी। क्लियर? तो सर जो भी तंबाकू वगैरह है ना बेटा देश में, ये मतलब देश का बहुत बड़ा झगड़ा इन्होंने सोल्व किया है बेटा। तो सर तो ऐसे केस में इनसे जो जीएसटी कलेक्ट होगा जो ओवर एंड अबव जिसको बोलते जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये एक वो अलग फंड बनाया गवर्नमेंट ने, और वो फंड उस एक्ट के थ्रू जितना भी फंड कलेक्ट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज स्टेट्स जिनको लॉस हुआ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, और उसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा गया जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। समझा मेरी बात? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर डन। तो सर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट चक्कर में पता है कितने एक्ट बन गए? पता है कितने एक्ट बन गए? देखो ध्यान से बाबू, सर देखना ध्यान से। एक तो बना मालिक क्या, क्लियर? अच्छा एक बना क्या, अच्छा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट से वहां तो एसजीएसटी एक्ट, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है सर। ये जैसे राजस्थान एसजीएसटी अलग है, महाराष्ट्र एसजीएसटी अलग है, गुजरात एसजीएसटी अलग है सर। क्लियर सर? पर जो यूनियन टेरिटरीज है विच आर एडमिनिस्ट्रेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए एक अलग एक्ट बनाया है यूटीजीएसटी एक्ट, उनके लिए एक अलग एक्ट बन गया जिसका नाम क्या है भाई, यूटीजीएसटी एक्ट। क्लियर? और सर अभी अभी हमने एक नाम लिया क्या, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। और सर देश में कितने स्टेट्स है? आवाज नहीं आ रही? हुई सर ठीक है मैं समझ गया। सर पॉइंट मेरा आपसे है 28 स्टेट्स। पर सर अगर आपको आइडिया हो दिल्ली, यस दिल्ली आम आदमी पार्टी सर है ना, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है सर। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी पर इसका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। क्लियर? पुडुचेरी जिसको पौंडीचेरी भी बोलते हैं है ना, एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा। सर ये तीन पता पड़ा सर अभी हम सब चालू हो गए। सर तो तीन स्टेट तीन यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों क्या है यूनियन टेरिटरीज है पर इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है सर, इसलिए इन तीनों का भी एसजीएसटी एक्ट अपने आप में अलग है सर। तो 28 तो स्टेट्स थे ही, क्लियर, प्लस थ्री यूनियन टेरिटरीज का स्टेट एक्ट है सर, टोटल कितने हो गए मालिक 31, तो इतने बन गए क्या एसजीएसटी एक्ट। क्लियर? टोटल कितने हो गए सर 35 एक्ट बन गए। क्लियर? तो सर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए 35 एक्ट पास करने पड़े, पर आप चिंता ना करें सर, आपने अगर सी जीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब समझ लो आप 31 एसजीएसटी एक्ट भी आपको आते हैं। क्लियर? आई जीएसटी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, यूटीजीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे आपके सिलेबस के अंदर ये दो एक्ट ही आते हैं, ओके okay, और हां एज फार एज दिस एक्ट इज कंसर्न, ये सिलेबस में नहीं आता पर जस्ट बता देता हूं आपको कि सर गवर्नमेंट ने क्या किया 2015-16 फाइनेंशियल ईयर जो था उसकी हर स्टेट की वेट रेवेन्यू कैलकुलेट करी कि हर स्टेट वाइज वेट रेवेन्यू कितना था, उसको बेस ईयर रख दिया सर, उसको बेस ईयर रख दिया और बोल दिया कि अगले 5 साल तक नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम आपका जो वेट का रेवेन्यू था 16-17 में उससे कंपेयर करेंगे आपकी एसजीएसटी की रेवेन्यू कितनी थी। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो हम वहां से उस फंड में जो टोबैको वाले लोग गया था सर वहां से जो फंड आएगा वो हम क्या करेंगे आपको उतना अमाउंट कंपनसेट करेंगे सर। क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? 5 साल तक तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि सर 2016-17 की रेवेन्यू को अगर आप कंपेयर करोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक महंगाई आपकी बढ़ती है हमारी नहीं बढ़ती है क्या?
आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, हमारी नहीं बढ़ेगी क्या सर? तो एक इंक्रीज इंक्रीमेंटल फैक्टर तो होना चाहिए ना सर यार। तो एक 14% का इंक्रीमेंटल फैक्टर रखा सर, कितने परसेंट का? तो ईच ईयर 14% ऐड करेंगे, क्लियर? ओवर रेवेन्यू कंपेयर करेंगे किसे? एचडीसी रेवेन्यू से। फिर नेक्स्ट अगेन सर उससे 14% ऐड करेंगे एंड अगेन कंपेयर करेंगे एचडीसी से। डिफरेंस अगर होगा, लॉस अगर अच्छा प्रॉफिट होगा कुछ नहीं करेंगे, लॉस होगा तो वहां से कंपनसेट कर देंगे, क्लियर? ये लगभग पूरा एक्ट आपको पढ़ा दिया मैंने, इतना ही एक्ट बस ये, समझे मेरी बात? फिर इसमें लिख दिया कि बाकी सारे सेक्शंस, बाकी सारे प्रोविजंस जो इस सीजीएसटी एक्ट में लिखे वो सब सेम है सर। इसमें यूटीजीएसटी एक्ट पूरा सेम है, केवल इसमें लेवी का सेक्शन दे रखा है, बोला यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी आप सेल परचेस करोगे उस पर यूटीजीएसटी एक्ट लगेगा विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी, और गवर्न करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सारे सेक्शन सेम है जो सीजीएसटी एक्ट में लिखे सर, क्लियर? समझे मेरी बात? और एसजीएसटी एक्ट तो एब्सोल्युटली कॉपी पेस्ट है, बस फर्क क्या है, जहां पे भी गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है, सीजीएसटी एक्ट में गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी में क्या है सर? स्टेट गवर्नमेंट। और दो तीन सेक्शन चेंज थे वो ट्रांजिशन प्रोविजन के टाइम पे, जब जीएसटी नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था तब पुरानी क्रेडिट के नए क्रेडिट में क्या करना है, उस तरह के प्रोविजन में कुछ चेंज था, वो अब काम के सेक्शन नहीं रहे, वो वन टाइम एक्सरसाइज थी केवल सर 2017 में बस, क्लियर? मतलब अगर आपने सीजीएसटी ढंग से पढ़ लिया तो लगभग सारे एक्ट आपको आ जाएंगे, इसलिए आपके सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट है प्लस आईजीएसटी एक्ट है सर, क्लियर? और आपने अगर ये पढ़ लिया तो वन नेशन वन टैक्स पूरा कवर हो जाएगा सर आपका, क्लियर? पक्का 100%? तो शुरू करेगा सर जीएसटी? ओके, तो सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम।